स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी अब आपको बाजार में आती हुई दिख रही है। 17,800 के करीब आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। अभी थोड़ा दूर है डिस्टेंस, बट एक्शन भरपूर है और सुबह से ही बैंक्स पर हम देख रहे हैं जोरदार तेजी बनी हुई है और 41,000 के ऊपर 1% की तेजी के साथ बैंक निफ्टी होल्ड आउट कर रहा है। अदानी ग्रुप शेयर्स, वायदा कारोबार वाले भी निचले स्तरों से रिकवर हो रहे हैं। कैश वाले तो ऑफकोर्स निचले सर्किट पर अभी भी बने हुए हैं, बट कुछ नतीजों का रिएक्शन आ रहा है, बेहद शानदार रिएक्शन आ रहा है, और कुछ नतीजों में बेहद खराब रिएक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। तो दोनों तरफ के बाजार के एक्शन पर बना हुआ है हमारा फोकस। बट अच्छी बात है कि कल भी बैंक्स ने लीडरशिप दिखाई थी और आज बैंक्स की लीडरशिप बरकरार है। इनफैक्ट आज अच्छी खासी खरीदारी प्राइवेट बैंक्स में भी आपको आती हुई दिख रही है और चुनिंदा प्राइवेट बैंक्स के जोरदार प्रदर्शन की वजह से हम देख रहे हैं ओवरऑल बाजार का भी बढ़िया मूड बना हुआ है। कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स भी एक्शन में है। तो कैसे समझना है इस मूव को, वीकेंड सेशन है, आखिरी डेढ़ घंटा है, उससे पहले कैसी करनी है आपको तैयारी, पोजीशंस और साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज लेकर हमारी टीम है तैयार। अनिल जी से भी बात करते हैं, पहले एक बार बाजार की बात और बड़ी बातें भी जान लें। गुड आफ्टरनून सर, अच्छी रिकवरी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर और बैंक्स की लीडरशिप लगातार दूसरे दिन अच्छी खासी। बिल्कुल दीप, और वहीं से सिचुएशन संभलेगी और सुधरेगी और वो होता हुआ दिख रहा है। तो पहले बाजार की बड़ी बातें बता देते हैं। बिल्कुल, 17,700 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है बाजार और लगभग 100 अंक चढ़ चुका है अब। इनफैक्ट 132 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी, 425 अंक ऊपर हो चुका है, 41,000 के पार फिर से निकलता हुआ दिख रहा है। बड़ी बातों में अदानी मामले पर संसद में विपक्ष का हंगामा हुआ है, शेयर में जबरदस्त उठापटक होती हुई आपको नजर आएगी। फाइनेंस और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये हैं आज के स्टार परफॉर्मर। ऑटो आईटी में मजबूती है, मेटल एनर्जी रियल एस्टेट और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़े कमजोर हैं आज के सेशन में, जहां स्थिति तेजी से बदलती हुई दिख रही है। खराब नतीजे के बाद डिवीज का स्टॉक 10% टूटकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में, वहीं फार्मा इंडेक्स 1.5% आपको नीचे डिवीज के दम पर नजर आएगा। रोजगार के आंकड़े आ जाएंगे आज रात अमेरिका में, उससे पहले डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स ज्यादा सा नीचे है और यूरोप के बाजार मिले जुले प्रदर्शन करते हुए कमजोरी की तरफ। बिल्कुल, तो बाजार का एक्शन तो आपको दिख रहा है और फाइनेंशियल्स पर रखिए नजर सर। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक सारे जो मूव बढ़िया दिखा रहे हैं यहाँ पर और बाजार को ऊपर भी ले जा रहे हैं। बट बाजार पर आपकी भी राय लेना चाहूंगा, जो वायदा कारोबार के अदानी ग्रुप स्टॉक से थोड़ा वहां पर भी रिकवर हुआ था 40% गिरने के बाद, एक बार तो रिकवर होना था वो होते हुए भी हम दिख रहे हैं। जो कल बात थी आज सुबह भी बात थी, वहां से एक्स ऑफ अदानी अगर आप देख लें तो बाजार अच्छी हेल्थ में आपको आते हुए दिख रहे हैं। समय पहली चीज तो कि 10 फीट से बॉल नीचे गिराओगे तो 2 फीट तो वापस आएगी। बिल्कुल इतनी तो बाउंस करेगी बनता ही है। वो तो खैर अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए एक अलग चीज है, लेकिन जो बड़ा बदलाव हुआ है वो दो है दीपा। 2-3 दिनों से अदानी ग्रुप के शेयरों की इतनी मार काट और उसकी वजह से खराब मूड के साथ सारे लोग परेशान थे और इसीलिए सुबह हमने बहुत सोच समझ कर दिमाग लगाकर ये स्ट्रेटेजी दी कि आप एक्स अदानी बाजार को देखिए और तब आपका डर दूर हो जाएगा, आपके लिए पैसे लगाने का सही वक्त है। करेक्ट, और वो अब आपको होता हुआ दिख रहा है। तो बाजार सुबह से एक सदानी बेहतर होते हुए दिख रहे थे, बैंकिंग शेयरों की लीडरशिप भी फिर से आती हुई दिख रही थी। अब जो सेकंड हाफ में मजबूती आई है, जब एक सदानी आप मजबूत हैं और अदानी के स्टॉक निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, तो फिर जो आपको सपोर्ट और ऊपर बढ़कर दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होने के लिए चाहिए वो मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, आज इस बात की पूरी संभावना है कि दिन के ऊपरी स्तरों पर आप जाकर बंद होंगे विदाउट डाउ सपोर्ट, जबकि आपको पता है डाउ नीचे, डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छे खासे नीचे है, फॉरगेट दैट। लेकिन ये हल्के बाजार हैं, इस हल्के बाजार में आपको खरीदारी करने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत थी और वो ट्रिगर क्या था, एक बाजार को अदानी के शेयरों से हटाकर देखें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ट्रिगर नंबर दो, जिस समय आपको अदानी ग्रुप के शेयर घटना बंद करते हुए दिखे रिकवरी की कोशिश करें। अब ये रिकवरी सस्टेनेबल है या नहीं वो अलग बात है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में आप कई बार अदानी ग्रुप के इन शेयरों को हरे निशान में देख चुके हैं, 10-10% ऊपर भी देख चुके हैं, उसके बावजूद वापस से पीटे हैं। सो इस रिकवरी पर आप कितना भरोसा करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग चीज़, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक बार में रिकवरी जब आती है तो वापस फॉलो सेलिंग आती भी है, आती है, तो वो कब आएगी कहाँ से आएगी वो आपको पता नहीं। लेकिन इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर आप नीचे देखेंगे तो शायद आपको ये रहेगा कि एक बार के जो बॉटम बन गए वो आसानी से भी नहीं टूटेंगे। सो ये दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो आपका जिस वजह से रुके हुए थे आप, वो वजह आप आज भी, आपको कोई जरूरी नहीं कि आप जाकर अदानी ग्रुप के शेयर खरीदे। बिल्कुल है ना, नो डाउट जो खतरों के खिलाड़ी है जिनको मजा उसी में आता है, बिल्कुल बाद में भले स्ट्रेस हो लेकिन लेना वही, वो एक अलग अलग तरह के लोग हैं जो यही करेंगे और करते भी हैं, है ना। जब गिरेगा तो डरेंगे या इसी इन्हीं शेयरों से, जब बढ़ेगा यही ले लें,
क्योंकि ये जल्दी बढ़ेंगे, तो वो एक क्लास अलग है। लेकिन जिन लोगों को डर इस बात का था कि कई सारे अच्छे शेयर, कई सारे बैंक्स हमें खरीदने थे, खरीदना चाहते थे, लेकिन इस डर से नहीं ले रहे कि अदानी ग्रुप के शेयर और घटेंगे तो हमारा क्या होगा, तो वो साइड में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी शॉर्ट 17% दीप इंडेक्स लॉन्ग पोजिशन FIs 17%, मतलब और क्या करना, नीचे जाएंगे और क्या करोगे। सो ग्राउंड तो ठीक है, मेरा ये समझना है डे हाई के आसपास बंद होने चाहिए, 17,800-850 तक की जगह ऊपर की है, उसके अलावा लोअर लेवल पर अगर आज वापस आप 17,700 के आसपास आए एंट्री पॉइंट बनेगा धीरे धीरे। अब ये मार्केट ऐसा है जहाँ टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, टुकड़ों टुकड़ों में देना है, एकदम एग्जैक्टली कॉन्ट्रा ट्रेड एक पॉइंट पर लेने का मार्केट नहीं है, क्योंकि वॉलिटिलिटी जो इंट्राडे में बन रही है उसमें धीरे धीरे में निचले स्तरों पर टुकड़ों पर लीजिए और धीरे धीरे ऊपरी स्तरों पर टुकड़ों में दीजिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, मेरा बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस भले ही बढ़ गया लेकिन अभी आना बाकी है, आना बाकी है बैंक निफ्टी में। तो दो दिनों से अच्छी परफॉर्मेंस है सर, 41,400-41,650 अच्छा लेवल, लेवल है देखो, लेवल लेवल है, 41,400-41,650 पार करवाओ आप, ये कंजेशन जोन है मेरा बैंक निफ्टी के लिए। 41,650 के ऊपर आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील करने लगूंगा, वैसा है। सेव निफ्टी में 17,850-17,900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, थोड़ा टाइम है जी, बट ये लेवल्स ध्यान में रखिए, लॉन्ग साइड पर रखिए। 17,850-17,900 प्रॉफिट बुक करने की जगह, 41,400-41,650 प्रॉफिट बुक करने की जगह, चीज़ें सुधरेंगी और उनके पार निकले तो हम फ्रेश तेजी फिर से सोचने लग जाएंगे, अदानी एपिसोड पीछे थोड़ा रख लेंगे, ठंडा कर देंगे, बजट को फोकस में लेंगे, मार्केट को आगे, समझ गया, ये स्ट्रेटजी के साथ रही है। गॉट इट सर, तो चलिए अच्छा मूवमेंट है, थोड़ा और अच्छे लेवल्स आ जाएं तो और मज़ा आएगा, बट हाँ 1% की तेज़ी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, निचले स्तर से बढ़िया रिकवरी है इस समय बाजार की। चलिए थोड़ी देर में अनिल जी से डेटा और स्ट्रैटेजी भी समझेंगे, आइए तब तक हमारी टीम से जानें आज के खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स भी। कुशल मार्किया, नुपुर और अरमान हमारे साथ तैयार। नुपुर गुड आफ्टरनून, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून, ट्रिगर्स में सबसे पहले अर्निंग्स, जहाँ पे ITC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आज आने वाले हैं। FNO से देखें तो आरती इंडस्ट्रीज, इंटेलेक्ट डिजाइन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, मैरिको, टाटा पावर, इंटरग्लोब एविएशन, सन टीवी, इन कंपनीज के भी आज नतीजे आते दिखेंगे। JK टायर, जहाँ पे बोर्ड बैठक है, नतीजों के साथ पूंजी जुटाने पर विचार करने वाली कंपनी, तो ये आज फोकस में स्टॉक। इंजीनियर्स इंडिया, जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ कंपनी स्टॉक स्प्लिट शेयर विभाजन पर भी आज विचार करेगी, तो उसके आउटकम पर भी बाजार की नजर रहेगी। आरती सर्फिकेंट्स, जहाँ पे राइट्स इशू जो ओपन हुआ था 25 जनवरी को, वो आज बंद हो जाएगा, 525 का भाव था और करीबन 9 लाख शेयर्स यहाँ पर दिए गए थे। USA ग्लोबल से देखे थे, USA से जॉब्स डेटा आने वाला है जनवरी के महीने का, अनुमान है कि 1,87,000 का नया एडिशन इस बार आ सकता है, तो यहाँ पर भी बाजार की नज़र रहने वाली। कल की बात करें तो रिजल्ट से FNO में MCX डालमिया भारत के नतीजे आते दिखेंगे। संडे को देखें तो JK सीमेंट के नतीजे आने वाले, तो जहां पर नज़र रहने वाली है। मंडे को देखेंगे तो निफ्टी से टाटा स्टील, FNO से LIC हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस के नतीजे आते दिखेंगे। MPC की जो बैठक है वो स्टार्ट हो जाएगी मंडे से, तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जहाँ नज़र रखनी होगी। DCX सिस्टम, जहाँ पर 50% का जो लॉक इन है 90 डेज का, वो भी खत्म होते दिखेगा, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। एक स्टेट के चलते कॉनकॉर्ड, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 4 रुपये का, तो ये एडजस्टमेंट मंडे को आपको नजर आएगा। और साथ ही साथ पटेल इंजीनियरिंग, जहाँ पे राइट्स इशू का जो पीरियड है 14 से 27 जनवरी, वो भी 27 फरवरी, वहाँ पर भी फोकस रहने वाला है। स्टॉक पे जो प्राइस है वो करीबन 12.5 रुपये के आसपास की है। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले कुछ दिनों के लिए। अरमान बताएं सबसे पहले तो आज जो कुछ नंबर्स आ गए, कुछ बड़े नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। जी बिल्कुल, कई सारे बड़े नंबर आए हुए हैं, जिसमें अगर आप देख बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की, बैंक ऑफ बड़ौदा के बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं आपको। NIIs में लगभग 27% के आसपास की बढ़त दिखेगी, मुनाफा लगभग 75% बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं आप ग्रॉस NPA देखेंगे, ग्रॉस NPA में आपको कटौती दिखेगी, 5.3% से गिर कर 4.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। वहीं नेट NPA में भी आपको अच्छी खासी गिरावट दिखेगी। डिवीज लैब काफ़ी कमज़ोर नतीजे यहाँ पर दिख रहे हैं, मुनाफे में लगभग 66% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी, मुनाफा लगभग
63% के आसपास गिरता हुआ दिखा है। मार्जिन्स तो आधे हो गए हैं, 44% से गिरकर 24% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। ZS लाइफ, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, मुनाफा लगभग 22% बढ़ता हुआ दिखा है, आय में भी लगभग आपको 20% का उछाल दिखेगा और मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है, 20.7% से बढ़कर 21.9% के आसपास आते हुए दिखे हैं। इंडिया सीमेंट्स, यहाँ पर नतीजे कमजोर ही दिख रहे हैं, आपको मुनाफा 3.3 करोड़ से बढ़कर 90.7 करोड़ दिखेगा, पर उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल एक प्रॉफिट है इनको लगभग 294 करोड़ का, उसके चलते आपको ये मुनाफा दिख रहा है। कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो कंपनी को 104 करोड़ के मुनाफे के बदले 69 करोड़ का जो है कामकाजी घाटा होता हुआ दिखा है। फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर मुनाफा जो है, मुनाफे में लगभग आपको 4 गुना जो है बढ़त होती हुई दिखेगी और मार्जिन जो है वो अच्छे खासे बढ़ कर आए हैं, 9.2% से बढ़कर 14.6% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और अंत में जुबिलेंट फार्मुआ की बात करें तो वहाँ पर कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। कंपनी को जो 51 करोड़ के आसपास का जो मुनाफा था उसके मुकाबले लगभग आप देखेंगे 16 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। आय में लगभग आपको 10% का उछाल दिखेगा, पर वही सबसे बड़ी दिक्कत है कि मार्जिन में बड़ा कट है, 20% से गिरकर सिर्फ 8% के आसपास आते हुए दिखे। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। और कौन सी खबरें अरमान? बिल्कुल, टीम लीज, जहाँ पर वो बायबैक का जो था वहाँ पर अगर आप देखेंगे वो घोषणा आती हुई दिखी है कि 30.50-30.50 के भाव पर जो उन्होंने बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दी है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो वहाँ से लगभग 30% के प्रीमियम पर है। टेंडर रूट के जरिए जो है बायबैक किया जाएगा और बायबैक की अगर कुल अमाउंट जो होने वाला है वो लगभग 100 करोड़ तक का जो है कंपनी ने ऐलान किया है कि वो खर्च करने वाले हैं। ड्रेजिंग कॉप, यहाँ पे कंपनी को इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज से लगभग 205 करोड़ का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सेल की बात करें, यहाँ पर जनवरी में इनका जो क्रूड स्टील का जो उत्पादन का डेटा उन्होंने दिया है जो कि 17.2 लाख टन है। और अंत में कुछ दो ब्लॉक डील्स है जिसमें आप जीएमआर एयरपोर्ट्स की बात करेंगे, वहाँ पर अगर आप देखेंगे लगभग 1.5% इक्विटी के सौदे किए गए और अडानी पोर्ट्स जहाँ पे 21 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। समाचार समाप्त हुए जी सर, आज बहुत दो बार बोलना पड़ा जी सर, इतनी सारी खबरें। मेरे ख्याल से रिजल्ट्स काफी ज्यादा आ गए ना मार्केट और इसमें बड़े बड़े कौन कौन से डिवीज बैंक ऑफ बड़ौदा ZS लाइफ, इंडियन सीमेंट, ZS लाइफ, इंडिया सीमेंट, चार दिग्गजों के रिजल्ट आ गए। आज तो 11 एफएनओ की और 4 निफ्टी की कंपनी के रिजल्ट है, तीन है तो अभी भी मतलब 2 निफ्टी 3:30 बजे तक बिजी डे है और वीकेंड पे तो आप दोनों बिजी होंगे। रिजल्ट तो सब तैयार करने पड़ेंगे, सोमवार को जब आएंगे तो सोमवार को सब तैयार चाहिए ना। ठीक है, आप लोग जिन कंपनियों को ट्रैक करते हैं, आप तो मैनेजमेंट को जानते हैं, पहले उनको ये नहीं बोलते कि आप फ्राइडे दोपहर के बाद रिजल्ट मत दिया करो, हमारा वीकेंड खराब हो जाता है, ऐसा कुछ बोलते नहीं? सैटरडे बोर्ड मीटिंग करते हैं, उनका क्या? संडे भी है जेके सीमेंट। अच्छा, कंपनी चली गई जेके सीमेंट। ओके, तो चलिए, ये है रिजल्ट सीजन जोरों में चलता हुआ और बस थोड़े दिन बचे हैं, उसके बाद समाप्त भी होगा। तब तक आइए नतीजों पर रखेंगे नज़र। एक्शन भरपूर है बाजार में, रिकवरी शानदार है, कितनी बढ़ेगी और आगे, ये बड़ा सवाल है। आइए जवाब लेने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहा है शामिल। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, धर्मेश कांत साहब और आशु मदान साहब हमारे साथ हैं, इस वक्त तैयार हैं। आइए बढ़ते आगे और एक बार जरा आशु सर के पास चलते हैं। बताएं सर, आपकी तरफ से बाजार पर व्यू और साथ ही अगर कोई स्प्रेड स्ट्रेटजी है तो भी। अरे जी, व्यू भी है, स्ट्रेटजी भी है और 2 मिनट लूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका इनपुट भी एक में जरूर चाहिए। तो अनिल जी, व्यू जो कल क्लोजिंग पे मार्केट में हमने शो में एक चीज बोली थी कि एक ही खून की सजा 4 बार नहीं मिल सकती, वो एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, अनिल जी खतरों के खिलाड़ी या खिलाड़ी में होता है कि बार बार एक ही खून की सजा नहीं मिल सकती। तो अदानी पे अनिल जी कितनी बार को कहां तक बाजार गिरेंगे बार बार गिरने पे, और कहीं ना कहीं तो अनिल जी अदानी भी जाके रुकेगा। तो मेरा व्यू अनिल जी कल से था कि 17,500 जो हमारा चल रहा था कि उससे नीचे का मार्केट नहीं लगता और बैंक निफ्टी भी ठीक लगता है, जिसमें पर्टिकुलरली हमने SBI की बात की। तो अनिल जी मुझे मार्केट फ्रेश मंदी नहीं लगती, बेटर लगता है। अनिल जी आज के ना मतलब मार्केट की बात तो करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी ट्रैक्शन आ गई थी। आज के मेरे अनिल जी 2 स्प्रेड्स हैं, पहला स्प्रेड है SBI में, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ, और दूसरे स्प्रेड में अनिल जी आपकी मतलब विशेष टिप्पणी जरूर चाहूंगा क्योंकि उसका एक रीजन है, मतलब आप जब वो स्प्रेड सुनेंगे तो आप समझेंगे कि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला स्प्रेड है अनिल जी SBI का, SBI मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अनिल जी, लेकिन अपने को रिस्क मिटिगेट करके जरूर चलना है। SBI का अभी पिछले अनिल जी आधे घंटे में बाजार थोड़ा सा बढ़ चुका है, बट डजंट मैटर क्योंकि अनिल जी स्प्रेड बनाना है तो अगर लेना है तो ऊपर बेचना भी है। तो अभी चल रहा है अनिल जी SBI का फ्यूचर का रेट है 540 रुपए, मुझे अनिल जी डीप इन द मनी कॉल लेनी है 510 रुपए की और 560 की 2 कॉल बेचनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ अनिल जी, अभी चल रहा है SBI का रेट है 538-40 जो भी चल रहा है,
510 की, यहाँ से 30 रुपए नीचे अनिल जी मुझे कॉल लेनी है जिसका भाव कुछ 45-47 रुपए जो भी चल रहा है, और 560 के स्ट्राइक की दो कॉल बेचनी है। इसको करने पे अनिल जी जो मेरी कॉस्ट आएगी वो आएगी 15 रुपए। तो 15 रुपए का मतलब अनिल जी 510 प्लस 15, 525 से लेके 610 तक, 610 में सेफ हूं अनिल जी, 610 तक कहीं भी SBI रहेगा मुझे प्रॉफिट होगा। तो अनिल जी एक तो बहुत बड़ी करेक्शन आ गई, और मुझे अनिल जी लग रहा है दो बार जो बॉटम बना ना अभी, उस दिन 505 तीन पे सर्किट लगा, फिर 505 का पैनिक बना, फिर 510 का बना, ये 505 तो मुझे लगता है अनिल जी रॉक सॉलिड रेट होना चाहिए। इससे नीचे SBI मतलब बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक कुछ हो जाए तो जाएगा, नहीं तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। जितना मर्जी आप अदानी करते रहिए कि इतना एक्सपोजर है, उतना एक्सपोजर है, बैंक्स का एक्सपोजर है, ये आ गया वो आ गया, एक ही रिपोर्ट को अनिल जी बार बार तरह तरह से देते रहेंगे। और अनिल जी मैं जैसे बोल रहा था कल, एक बग्गा साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे ये रिस्क मैनेजमेंट वाली, जो क्रेडिट स्विस, ब्लूमबर्ग, रॉयटर, अब सबकी एक पॉलिसी होती है, जैसे मेरी रिस्क पॉलिसी है, मेरी रिस्क पॉलिसी है, जी मैं बार बार जाके मीडिया में थोड़ा बोलता हूं कि हमारी रिस्क पॉलिसी, हमने ये स्टॉक ऐड कर दिए, ये निकाल दिए, तो मतलब अदानी पे इतना हाइप क्यों हो रहा है? तो मतलब अननेसेसरली अनिल जी एक रेट के बाद ना मुझे वो जो पैनिक लग रहा है ना, फोका पैनिक लग रहा है, तो मतलब एक बियॉन्ड अ पॉइंट मुझे नहीं लगेगा। तो मैं अनिल जी एक पहला स्प्रेड है SBI का, दूसरा स्प्रेड है अनिल जी अदानी एंटरप्राइज का। अब अनिल जी वो स्प्रेड भी बुल स्प्रेड है, आशु जी एक मिनट, आपकी जानकारी के लिए कुछ फैक्ट्स रख दूं आपके सामने। 19.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप में से 9.5 लाख करोड़ 50% घट जाए तब हाइप नहीं होगा, तो हाइप कब होना चाहिए, जीरो होने के बाद? खबरें तो बतानी पड़ेगी ना, और अगर कोई स्टॉक 35% लगातार 3 दिन गिर रहा है तो बताना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं 100% अनिल, हाँ, मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूँ इस चीज के लिए। और अनिल जी जो मैं स्प्रेड भी दे रहा हूँ, अनिल जी मैं एक ट्रेडिंग प्ले ढूंढता हूँ। आपको पता है कि मेरे को तो अनिल जी अच्छे भले टाइम से शेयर से प्यार नहीं है, मतलब सबसे पहली चीज तो अनिल जी ट्रेडिंग का व्यू होता है कि डिस्पैशनेट व्यू होना चाहिए। मुझे तो आपको पता है कि अनिल जी किसी भी स्टॉक से प्यार नहीं है, और मेरे को मेरा कोई फेवरेट नहीं है, जो फेवरेट भी अगर पैसे नहीं बना के देता तो मैं तो अनिल जी एक हफ्ते में उसको अपनी लिस्ट से निकाल देता हूं, चाहे वो डेल्टा हो चाहे कोई हो, जिसमें पब्लिक के या व्यूअर के पैसे नहीं बने तो मुझे उस स्टॉक से कुछ लेना देना नहीं होता। बट अनिल जी आज का जो पैनिक आया और पहला रिवर्सल आया, रिवर्सल तो कई बार आए अनिल जी, वो 4000 से जब 3200 आया तो 3500 का रिवर्सल आया, 3200 से जब 2700 आया तो 3000 का रिवर्सल आया, ऐसे 2000 आया तो 2400 का रिवर्सल आया, लेकिन अनिल जी जीरो तक के रिवर्सल पे तो नहीं। बट आज के रिवर्सल के बाद अनिल जी जो हमने स्प्रेड शेयर किया क्लाइंट से, मैं वो भी बताता हूं क्योंकि ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। बट अनिल जी वो ट्रेडिंग थीम जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, अनिल जी हमने 1200 की इन द मनी अगेन कॉल एक अदानी में ली है और 1500 की एक कॉल बेची है। अब अनिल जी 1200 और 1500 की बेचने में जो मेरी कॉस्ट अब बन रही है वो बन रही है 160.65, हमने 2 घंटे पहले बनाई थी तो 140 थी, और अगर और बढ़ जाएगा तो इसमें पैसे आ सकते हैं। तो अनिल जी सबसे बड़ी चीज, मेरा प्रॉफिट एरिया कहां से शुरू होता है, जो भी मेरी कॉस्ट है 1200 प्लस कॉस्ट 160, 1360 के ऊपर अगर अदानी रहता है तो मेरे को अनिल जी इसमें प्रॉफिट होगा, मेरा पैसा डबल हो सकता है। लेकिन अगर नीचे गया तो अनिल जी वर्स्ट केस में 160 रुपए, अनिल जी ऑप्शन के थ्रू अदानी एंटरप्राइजेस में इतना अच्छा ट्रेड है इस वक्त, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया ट्रेड है ये। मतलब आपको अनिल जी देखो, किसी को लगता है तो 1200-1500 की जगह 1300-1600 1:1 स्प्रेड बनाना है अनिल जी, जिसमें लिमिटेड लॉस है, पूरा महीना पड़ा है, अदानी में खबरें आएंगी जाएंगी, उतार चढ़ाव होंगे तो बहुत कुछ होगा। मैं अनिल जी इसमें सिर्फ एक ट्रेडिंग प्ले ढूंढ रहा हूं कि जो रिवर्सल है कहीं से आएगा और कुछ भी आ सकता है, उस रिवर्सल के लिए कैसे प्ले करना है। ना ही मैं अदानी की अनिल जी कोई प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बता रहा हूं, और ना ही कोई 3500 वाला जिसका 3000 का प्लस है, या अदानी पोर्ट जिसका 900 का प्लस है कि क्या करना चाहिए, तेजी आनी चाहिए, एवरेज करना चाहिए, ये रिप्लाई उसके लिए बिल्कुल नहीं है, उसके लिए मेरा कोई व्यू नहीं है। ओनली एंड ओनली अनिल जी ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि हमारे को ट्रेडिंग से मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो पैसे बनाने हैं। तो अनिल जी पहली चीज जो मैंने मार्केट के बारे में बोली, बार बार उसी में नहीं मार सकते। दूसरा SBI का स्प्रेड, क्योंकि अनिल जी फ्यूचर संभालना बहुत मुश्किल है, और अनिल जी SBI का फ्यूचर संभालना मुश्किल है तो अदानी एंटरप्राइजेस का फ्यूचर तो संभालना इम्पॉसिबल है। सो अनिल जी अदानी एंटरप्राइजेस या पोर्ट में मेरे ख्याल बैन में चल रहा है, लेकिन ये इस तरह का ट्रेड जरूर ढूंढना चाहिए इन भावों में, आगे पीछे करके ट्रेडिंग में पैसे बन सकते हैं। और अनिल जी अदानी पे जो मेरा स्प्रेड है, इस पे आपका व्यू चाहिए था मेरे को। मेरा व्यू सिर्फ एक ही है सर, कि आपने 50% बढ़ने के बाद स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन क्यों दी? आजकल 950 है, अभी 1500 है, 50% से ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद बाय रिकमेंडेशन क्यों?
अच्छा अनिल जी, इसका एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ अनिल जी, जब बढ़ के जब 1250 और 1300 के बीच में चल रहा था ये, तब थी जब भी मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया कि जब हमने मैंने क्लाइंट से शेयर किया तब इसकी कॉस्ट थी स्प्रेड की 140 रुपए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। दूसरी चीज अनिल जी, ये शो का टाइमिंग 2 बजे था, अब 2 बजे की वेट कर रहा था मैं, बीच में ना आप थे ना दीपांशु था ना मैं था, तीनों इसलिए नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं वो तो देखिए उसमें कोई वो बात नहीं, लाइटर नोट वो पूछा था, उन्होंने सीरियस नोट मुझे किसी एक्सपर्ट ने अपने पैनल में से किसी ने मैसेज किया, बोलेगा आशु जी हमें तो बोलते हैं कि टाटा पावर 230 वाले पे किसी का सेल कॉल नहीं आता, 200 पे किसी का बाय कॉल नहीं आता, तो आशु जी का 950 पे बाय कॉल क्यों नहीं आया? तो सवाल तो उनका भी वाजिब है, तो मैंने कहा कि पूछ लेता हूँ मैं, चलिए आपने बोला है तो मैं पूछ लेता हूँ कि आशु जी का क्यों नहीं आया 950 पे, जब आज ही 50% बढ़ गया, अगर सपोज आज सुबह किसी ने 1000 नहीं लिया होता एक शेयर भी, तो अभी तो उसका 50% मुनाफा, नो डाउट हम भी प्रैक्टिकली समझते कि उस समय लेना मुश्किल। पॉइंट ये है कि हर एनालिस्ट का एक कंफर्ट होता है, एक तरीका होता है, एक चार्ट देखने का, एनालिसिस करने का, और सबका अपने अपने हिसाब से सही होता है। बिल्कुल, कोई 1500 में ही कंफर्टेबल फिगर, किसी को नहीं पता कि 950 पे रुकेगा या ये अब आज ऊपर का 1500 हो गया या 2000 होगा। सो आई थिंक ठीक है, सबकी अपनी, मैं आपको भी यही कहता हूँ और जिसने सवाल पूछा उसको भी यही कहता हूँ कि हर आदमी के अपनी अपनी स्किल होती है जी, किसको किस तरह से क्या रिकमेंड करना है वो अलजिए। बस मेरी स्किल ये है कि मैं पैसा बनाने में मदद करूं, उससे ज़्यादा मेरी स्किल ये कि पैसा बचाने में मदद करूं। राइट राइट, आइए जरा एक बार धर्मेश खान से भी राय लेते हैं। धर्मेश जी, क्या अदानी के शेयरों का खरीदने का वक्त आया है या दूर रहेंगे आप अभी? अली जी, अदानी के शेयर से तो दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल वैल्यूएशन में तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि 1000 के भाव पर अदानी इंटरप्राइजेस का वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव जरूर हो गया था, बट जब तक ये माहौल क्लियर नहीं होता है तब तक ऐसे मेरे ग्रुप से आप दूर रहेंगे तो फायदा रहेगा। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर बाई करके चल सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात अनिल जी कहना चाहूँगा यहाँ पर कि पिछले फ्राइडे को भी हम लोग ये शो कर रहे थे और मार्केट उस पर काफ़ी जोरों से गिर रहा था, 17500 के पास निफ्टी आ गया था, सेम पैनल थी और कुछ लोग काफ़ी बेरिश थे उस वक्त मार्केट पे, और मैंने आपको कहा भी था कि बाई करके चलना चाहिए मार्केट में। मार्केट वहाँ से तो रिकवरी हुई, वोलेटिलिटी हुई, बट आज हम लोग 17750 के पास हैं। सो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हर एनालिस्ट का एक तरीका होता है, बट कभी ना कभी आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में से निकल करके आना पड़ता है, और जहाँ आप इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उनके भी पैसे बन सके वो कॉल थोड़ा रीज़न एक्सपीरियंस के साथ, अगर हैं इतने सारे एक्सपीरियंस हैं लोगों के पास तो वो कॉल लेना चाहिए। और आई थिंक अदानी का भी मुझे तो लगता है कि मेरे हिसाब से ये सारा डन हो गया। अनिल जी, सिर्फ एक बात मैं उठाना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे, कि 5 दिन में इतनी बड़ी गिरावट आई अदानी के शेयरों में, इसमें जो गिरावट थी उसमें 9.5 करोड़ शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ अदानी इंटरप्राइजेस में कैश मार्केट में पिछले 5 दिनों में, और डिलीवरी आया सिर्फ 1.35 करोड़ शेयर का, तो बाकी जो 8 करोड़ शेयर्स थे वो ट्रेडिंग हो रहे थे। इसका मतलब है कि आप सुबह बेच रहे थे और जाने से पहले खरीद के जा रहे थे। तो यहाँ पर भी रेगुलेटर्स को जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप शेयर ऊपर जाता है उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जब गिरता है तो वहाँ भी देखिए कि अगर मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू से किसी कंपनी में तकलीफ है और मैं उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता हूँ, मैं बेच के चला जाऊँगा, वापस नहीं खरीदूंगा फिर एंड ऑफ द डे में। सो सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को अगर किसी तरह रिस्ट्रिक्ट किया जा सके तो फिर इतनी बड़ी जो इरोजन होती है वहाँ भी कुछ सैनिटी रहेगा और थोड़ा मतलब जो फंडामेंटली जितना होना चाहिए उतना ही होगा, एक्सेस नहीं होगा कहीं पर भी। इनफ, आपका पॉइंट भी वैलिड है, और जिस तरह की वॉलेटिलिटी हो रही है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी शायद जांच के इंडिकेशन आए भी हैं, चाहे वो गिरावट से रिलेटेड हो चाहे फिर वॉलेटिलिटी से रिलेटेड, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन एक और बहुत चर्चित शेयर जिसकी चर्चा बार बार लगातार होती ही होती है, कभी किसी के मुँह से, कभी किसी के मुँह से, कभी अच्छी तो कभी ख़राब, टाटा पावर पेश करेगा नतीजे, कब आ रहे रिजल्ट अरमान सर? इनके परसों संडे। हाँ ओके ओके, अनुमान बताइए टाटा पावर के। टाटा पावर के तो आज ही आ रहे हैं, टाटा पावर के, जेके सीमेंट पर, जेके सीमेंट पर, टाटा पावर, जेके सीमेंट पर, टाटा पावर के। बताएं अरमान रिजल्ट्स कैसे रहेंगे? यस सर, सर इसके ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे आते हुए दिखेंगे। आपको आय में तो आपको अच्छी खासी बढ़त दिखेगी, पर उसका रीज़न ये है क्योंकि आप जो कोल कारोबार अच्छा जो है वहाँ पे अच्छे अनुमान आता हुआ दिख रहा है कि उससे वहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट के चलते वहाँ पे आपको आय में बढ़त दिखेगी। पर रीज़न ये है कि अगर आपको कामकाज मुनाफा तो आपको लगभग 13% बढ़ता हुआ दिखेगा, पर जो मार्जिन है वहाँ पर कट आता हुआ दिखेगा। लगभग जो हमारा अनुमान है वो लगभग 15% के आसपास जो मार्जिन है वो घट
घटकर लगभग 13% के आसपास आते हुए देखेंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो कर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वहाँ पर एफिशिएंसी के हिसाब से वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आती हुई दिखेंगी, पर क्योंकि आय में अच्छी खासी बढ़त दिख रही है आपको तो मुनाफा लगभग आपको डबल होता हुआ दिखेगा। उसका रीज़न एक एक और भी, जो इनका मुद्रा प्लांट है वहाँ से अगर जो नुकसान है वहाँ पर आपको नुकसान कम होने के चलते मुनाफा जो है यहाँ पर ओवरऑल आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आते हुए दिखेगा। उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि अगले 3 साल में जब जो उन्होंने कहा है लगभग 87,000 करोड़ के जो ट्रांसमिशन कारोबार का उसका भी अनुमान है, और जो ऑर्डर बैकलॉग चल रहा है उस पर आगे ऑर्डर बुक पर क्या अपडेट आता है वहां पर भी देखना होगा, क्योंकि 14,000 करोड़ का तो ऑलरेडी जो ऑर्डर बैकलॉग है वो इनको चल ही रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिखेंगे, रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त दिखेगी, मुनाफा भी, क्योंकि रेवेन्यू लगभग 3,000 करोड़ के आसपास से बढ़ने का है तो मुनाफा भी लगभग अच्छा खासा बढ़ेगा, पर मार्जिन में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आती हुई दिखेगी जो कि 15% के आसपास जो है वो घिरकर लगभग 13.3% के आसपास आते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर के नतीजों का पूर्वानुमान। कुणाल जी, चार्ट पर नजर डालिए, बताएं टाटा पावर रिजल्ट के पहले कोई एक्शन बनता है? अनिल जी, देखिए टाटा पावर के अगर आप चार्ट को देखें तो हम देख रहे हैं कि काफी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक सीमित दायरे का कारोबार हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, तो एक ब्रेकआउट जरूर आया था 3-4 सत्र पहले लेकिन वो फिजल आउट हो गया और उसके बाद अब एक सीमित दायरे का कारोबार है, तो मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई मोमेंटम अभी फिलहाल स्टॉक में नहीं है। अब ये स्टॉक 215 के ऊपर चल पड़ेगा तभी इसमें खरीदारी की राय देंगे। 215 जब तक स्टॉक पार नहीं करता तब तक इसमें ओवरऑल प्रेशर बना रहेगा, ऊपरी स्तर पर बेचने का सोचना चाहिए और एक सीमित दायरे का ट्रेड है तो नीचे खरीद कर ऊपर बेचने की रणनीति अपनानी चाहिए। 215 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट लेवल पर खरीदने की राय है और बाकी बेचने की राय है। इस बीच अदानी एंटरप्राइज की स्ट्रेटेजी जो दी है आशु सर ने, 1200 का कॉल एक लेकर 1500 का कॉल दो बेचने की, उसको करेक्ट करके 1500 का भी एक ही कॉल बेचने की स्ट्रेटेजी है। आशु सर, 1500 का भी एक ही बेचना है? यस अनिल जी, बिल्कुल, अदानी में दो नहीं बेचने हैं। SBI का स्प्रेड 1:2 था, अदानी का बिल्कुल 1:1 है। 1:1 करेंगे तभी कॉस्ट आएगी 160, अगर 2 करेंगे तो अनिल जी क्रेडिट आएगा। तो मैंने बोला जिसको सूट करता है 1200-1500 1:1 या 1300-1600 1:1, जो जिसको सूट करता है कर ले। अनिल जी कहने का मतलब यह है कि 150-200 रुपए लगा के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अदानी की रिकवरी में और ये पैसे डबल हो सकते हैं, और डबल तभी होंगे अनिल जी 1:1। आई थिंक वो रॉन्ग करेक्शन थी, मतलब रॉन्ग शायद वो ग्राफिक दिखा दिया था, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया कि प्लीज वो रेक्टिफाई कर दीजिए। अदानी में बिल्कुल दो कॉल नहीं बेचनी अनिल जी, अदानी 1:1 नीचे में जो शांति रहेगी कि 150-200 ज्यादा जा नहीं सकते। प्लस अनिल जी बेस्ट चीज इसमें क्या है, अभी आप 1500 का फिर 1200 कर दीजिए जैसे धर्मेश ने बोला, फिर 1200 का 1600 हो जाए अनिल जी, उस स्प्रेड में हमारे को प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि मैं एक प्रीमियम देके पार्टिसिपेट कर रहा हूं और बैठा हूं, वर्स्ट केस मेरा वही प्रीमियम है। तो अनिल जी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसा पोर्ट में भी कर सकते हैं अगर किसी को करना है, लेकिन आई थिंक पोर्ट या अंबुजा बैंक के अंदर है और SBI में अनिल जी 1:2 था, तो मुझे अनिल जी मार्केट में ये रिवर्सल, और जैसे मैंने कहा कि अनिल जी एक ही बार कितनी बार मारेंगे किसी को। अरे आशीष जी एक चीज बताओ, जैसे आप बेचने में मतलब बिल्कुल बेरहमी से बेचते हो, जो स्टॉक 33-35% घटे उसको बेचने में एक ही कॉल, बाकी सब तो 2-2-3-3 बेच डालते हो आप, इसमें भी तो बेचो। नहीं अनिल जी देखिए ये बहुत ज्यादा ओवरडन हो गया। अनिल जी आज जो पैनिक आया ना, देखिए अभी तक क्या कि अभी भी लोग ना इसमें वैल्यू ढूंढ रहे थे कहाँ जा सकता है, कितना जा सकता है। बट अनिल जी देखिए मैंने आपको क्या बोला, मेरे को 3500, अगर मुझसे कोई 3000 वाला पूछे तो मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। 900 वाले अदानी पोर्ट का कोई आंसर नहीं है, लेकिन मुझे एक ट्रेडिंग प्ले नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है अनिल जी। अपने को तो हफ्ते में महीने में जो ट्रेडिंग करके पैसे बनाने, आपको पता है कि आई हैव अ टोटल डिस्पैशनेट व्यू ऑफ ऑल दी स्टॉक्स। मुझे तो स्टॉक्स अनिल जी मतलब लॉन्ग टर्म, तो आपको मैं कितनी बार वोकली बोल चुका हूं वो मेरी थ्योरी में ही नहीं है अनिल जी। लॉन्ग टर्म में कितने लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई अदानी में, आप सोच सकते थे इस तरह की डिस्ट्रॉय होगी? अब सारा पोर्टफोलियो अनिल जी अदानी की वजह से खराब हो गया, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग अदानी अनिल जी, अल्टीमेटली यही होता है। इसलिए आप फंड्स में भी देखो इतनी अंडर परफॉर्मेंस क्यों चलती है, 4 में से 2 स्टॉक भी खराब हो गए, 6 में से 1 भी हो गया। तो मुझे अनिल जी मतलब ऑनेस्टली ये जो करंट थीम है ट्रेडिंग बेस्ट लगती है, ये इन्वेस्टिंग में अनिल जी हर 2 साल में थीमेटिक चेंज आएंगे, 1 साल में कुछ हो जाएगा, 6 महीने में कुछ हो जाता है, यहाँ तो 4 दिन में कुछ हो गया। अब आज अनिल जी जिसने अदानी पोर्ट या अदानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने लिया हुआ है, क्या जवाब दो उसको बताओ? आई डोंट हैव अ फेस टू शो। बढ़िया बात है, अगर सही नीचे के लेवल पे दिलाया होता तो बोल सकते थे। हमारे ऑफिस में आज एक केस आया था, किसी ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि 80 रुपये में अदानी पावर लिया हुआ है,
क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक ने किसी ने पूछा कि अदानी पोर्ट 400 रुपए में लिया हो, क्या करें 400 में? तो ऐसा नहीं, काफी लोगों के नीचे के दाम के भी हैं, हालांकि जवाब देना उनके लिए भी उतना ही मुश्किल काम है। करेक्ट सर, जितना ऊपर के भाव में किसी ने लिया उसके लिए भी उतना ही मुश्किल है, जो नीचे के भाव में लिया उनके लिए उनको भी जवाब देना मुश्किल है कि भाई 5 गुना भी नहीं बनते पैसे। यस, बनते तो ले नहीं पाते लोग, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं बनते। आज भी 80 वाले का डबल से ज्यादा है ना, लेकिन वो अलग बात है कि आप कब बेच पाते हो, कब प्रॉफिट बुक करते हो, अलग चीज। एनीवे, एक बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाइक का स्टॉक रडार पे आया है, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 292.50, 293, 292.50, 293। स्टॉक का नाम है केनरा बैंक। केनरा बैंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, केनरा बैंक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, कल का हाई ब्रेक हो चुका है, केनरा बैंक में यहाँ पे खरीदारी करें। 80 हो चुका है, केनरा बैंक में यहाँ पे खरीदारी करें। 85-86 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, 285 के स्टॉप लॉस से केनरा बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिलेंगे, पहला टारगेट बनेगा इसका 300 रुपए का, 300 रुपए का लेवल निकलते ही स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ेगा और 4-5 दिन के अंदर ही 310 रुपए तक के लेवल केनरा बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने खरीदारी करी है वो लोग होल्ड करें, फ्रेश बाय कर सकते हैं 285 के स्टॉप लॉस से, 300 से 310 के टारगेट्स के लिए। हे फर्स्ट क्लास केनरा बैंक। आइए बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए, और फोन लाइन पर इंतजार कर रही है, मार्ग बड़ा व्यस्त है सेठ साहब। पहले बिगुल कुणाल जी राकेश जी। बताएं सर। अनिल जी, हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो ऑटो स्पेस से ही है, और मार कुणाल जी ऑटो पे कंटिन्यूसली बुलिश हैं, और अब जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है। एक तो इस स्टॉक ने अनिल जी किसी भी निफ्टी की अदानी की किसी भी करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा, हल्की फुल्की सी करेक्शन आई अनिल जी, मतलब खांसी जुकाम से आगे पहुंचा नहीं इसको कभी, मतलब कि हल्का सा फीवर भी नहीं है, और स्टॉक इज गेयरिंग अप टू फ्लाई इन अनचार्टेड टेरिटरी। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को होता है वीकली क्लोज, लाइफ टाइम हाई वीकली क्लोज एमएनएम के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है, तो इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना होगा, स्टॉप लॉस रखें 1365 रुपए पर, 1365 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है एमएनएम में। पहला टारगेट होगा 1410 रुपए का, 1410 का, इवेंचुअल टारगेट 1430 रुपए का, 1430 का, तो 1410-1430 के टारगेट के लिए एमएनएम में खरीदारी की राय। ओके, महिंद्रा महिंद्रा सबसे मजबूत शेयर और यहां खरीदारी करने की राय, राय सेठी साहब की तरफ से बिगुल के बाद। बनाए सर। सेठी साहब गुड आफ्टरनून। नहीं सर, आज सेठी साहब आज आपके लिए हमारे पास है वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, और एक हाँ, और एक बात की आपको बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिनों में इतनी मारकाट मची है, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने बिना कॉन्फिडेंस हिलाए डुलाए आपने एकदम, मतलब मजबूती के साथ आपने बाय कॉल दिए और वो सारे स्टॉक गजब के एक्शन में, तो एकदम लोएस्ट लेवल पर खरीदने की स्ट्रेटेजी आपकी सही पड़ी, और अगर कभी आपने ऊपर के लेवल पर दिए तो उनके भी टारगेट सारे आ जाए, तो पहले बधाई स्वीकार करें। अब बताएं सर क्या क्या खरीदेंगे। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। बहुत ही दमदार तेजी चल रही है बाजार में, और पिछले 2 दिनों में जो भी कॉल्स थी, मतलब मैक्सिमम स्टॉक्स में बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं निवेशकों के या ट्रेडर्स के जिन्होंने सुन के लिया। SBI इज अ केस इन पॉइंट, कल 520 पे बोला था, अभी 545 के लेवल पे है। अनिल जी, आज 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। पहला स्टॉक है एक बैंकिंग स्पेस का स्टॉक है, इंडियन बैंक। इस स्टॉक को मैंने कुछ दिन पहले भी 287 के आसपास रिकमेंड किया था, 305-310 के टारगेट थे, वो मीटअप हो गए, और उसके बाद जो बाजार की मार्केट हुई उसमें ये स्टॉक भी नीचे आया, अभी 292 के लेवल्स में ट्रेड करता है। बहुत ही दमदार क्वालिटी की बैंक है, दमदार फंडामेंटल था, और बहुत ही अच्छे नतीजे थे इस तिमाही के, जहाँ पे हर एक फ्रंट पे इस कंपनी के, इस बैंक ने एस्टिमेट्स को बीट किया। मुझे लगता है ये जो बैंकिंग सेक्टर की तेजी है जो भी चल रही है, ये आगे भी और चलनी चाहिए, और यहाँ पे इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह मेरा। इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 305 का, स्टॉप लॉस रखना 285 रुपए। 285 स्टॉप लॉस, 305 टारगेट, इंडियन बैंक खरीदने की राय सुमित जी के बाद। सुमित जी ने केनरा बैंक कहा है। बताएं सर दूसरा पिक। दूसरा स्टॉक अनिल जी है डीलिंक, जो 204 के आसपास अभी ट्रेड करता है।
ये एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, नेटवर्किंग प्रोडक्ट बनाती है, जैसे राउटर्स है, स्विचेस है, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोडक्ट है। रिटेल मार्केट में इनका 30-40% मार्केट शेयर है भारत में, और स्मार्ट होम यूजर्स के लिए भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी कई प्रोडक्ट बनाती है। एक बहुत ही दमदार पेरेंटेज है, डीलिंग ताइवान की पेरेंट कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, जीरो डेट कंपनी। सितंबर तिमाही भी बहुत दमदार थी, 22 करोड़ का पैसा आया अगेंस्ट 12 करोड़ पिछले साल सितंबर तिमाही में। वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता लगता है, और जिस तरह से सरकार का एक फोकस डिजिटाइजेशन पे रहा ही है, 5G रोल आउट होना है तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है, स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 204-205 पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है, 220 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 195 का स्टॉप लॉस रखता है। 200-220 का टारगेट ये है डीलिंग और इंडियन बैंक। सेठी साहब, आज का मार्केट आपके ये कैश मार्केट के स्टॉक देने लायक है नहीं, एक्चुअली ईमानदारी की बात नहीं है। आज तो आपको ढूंढ के है ना एफएनओ वाले स्टॉक को अच्छे से निकाल के लानी चाहिए, जो रिकवरी हुई उसमें मतलब आप थोड़ा मेहनत करो, चाहे तो आप थोड़ा समय ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप भले अभी का भी, लेकिन जरा कोशिश करिए, 3:30 बजे तक 1 घंटे का समय है आपके पास। अनिल जी बिल्कुल, आप तो हर बात पकड़ लेते हैं। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आज ऑफिस में नहीं हूँ। अच्छा, तो बाहर हूँ इसलिए स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, इसलिए नहीं दिया, बिकॉज़ रिस्क बढ़ती है, तो आज बाहर होने की वजह से थोड़ा कैश मार्केट के जो स्टॉक जिसमें ज्यादा उथल पुथल होगी नहीं, वो स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उसकी धन्यवाद सेठी साहब, आपको और एक जैन साहब को भी विशेष। बिल्कुल, मैंने ये चीज नोटिस की, जैन साहब सेठी साहब कहीं घूम भी रहे होंगे, बाहर भी होंगे, यात्रा पर भी होंगे, लेकिन कोशिश कॉल समय की, हाँ कॉल मतलब अपनी जो अपीयरेंस का समय है उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू सेठी साहब, इंडियन बैंक डी लिंक दो स्टॉक सेठी साहब की तरफ से आते हुए। 2:30 बजे की स्ट्रेटजी, 2:30 बजे की स्ट्रेटजी आई अनिल जी के लिए। बिल्कुल, डाउ फ्यूचर्स आज 100 पॉइंट नीचे अनिल जी, और नैसडैक में तो हम गिरावट एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेट, अमेजॉन और एप्पल तीनों के नतीजे डिसअपॉइंटिंग थे, तो आज बड़ा रिएक्शन आपको शाम को नैसडैक में देख सकता है। फिलहाल फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 2% नीचे हैं। एशिया भी थोड़ा मिला जुला था, सुस्ती है, यूरोप भी ठीक ठाक है, 0.5% नीचे ही आप मान लीजिए। कच्चा तेल कंट्रोल में है, रुपया 7 पैसे मजबूत है, तो ग्लोबल मार्केट सुस्त है। हमारे बाजार ऑफकोर्स डेज हाइपर ट्रेड कर रहे हैं, 17,800 निफ्टी पर अनिल जी, और अभी अभी थोड़ी देर पहले 41,400 बैंक निफ्टी ने छुआ भी था। बताएं सर क्या करना है? दो चीज जी, पहले तो मेरे लिए आज के टारगेट निफ्टी के 17,850-17,900 के ही है, ऊपर के इसके ऊपर का मैं नहीं देख रहा, यहाँ तक मेरे लिए काफी, अगर यहाँ आता है तो प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है 100%, क्योंकि हमने आपको 2 बजे भी अपनी यही बात करी, डे हाई पर बंद होगा तब 17,750 था, और उससे वहाँ से करीबन करीबन 85 पॉइंट बढ़ गया नॉन स्टॉप, ठीक है। 850-900 कंजेशन जो है अपने वहाँ पे रुकना है, 900 के ऊपर बंद होगा तो मैं खुद ही 3:20 पे आपको बोल दूंगा और लेके जाओ, तो 850-900 अपना कंजेशन जो है बंद होने के हिसाब से, क्लियर है? क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ऊपर में 850-900 के आसपास अगर बंद होता ना दिखे इसके ऊपर तो प्रॉफिट बुक करना है। Is it okay? Got it. ठीक है। अच्छा प्रॉफिट है सर। क्यों? लॉजिक के साथ 17,700 के कॉल्स पर 54 लाख शेयर हैं, वो पार कर लिया है, और 17,600 के पुट पर 81 लाख शेयर है। तो पहली चीज तो ये कि जो लगातार 5 दिनों से हम बात कर रहे हैं 17,600 के नीचे नहीं बंद होगा, नहीं बंद होगा, नहीं बंद होगा, कल की मार्केट में भी ये था, 17,600 आपका बेस हो गया, क्लोजिंग के लिहाज से पक्का बेस हो गया, और जैसे ही 17,850-17,900 होता है मैं सेफर साइड पे 50 पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ कि गलत ना पड़े। 850 के ऊपर बंद होते ही आप इस जोन में चले जाएंगे जहाँ आप नीचे देख के ये कह पाएंगे कि जी हाँ 17,350 जो बना था बॉटम वो बन गया, जल्दी से अब नहीं टूटेगा, नहीं बच रहे। हाँ चलिए, जैसे आप 17,850 के ऊपर बंद होना शुरू करते हैं, मेरे सेफर साइड पे 17,900 बोल रहा हूँ जी, ताकि मैं, कई बार होता है ना 5-25 पॉइंट आप ऊपर नीचे वो हो जाता है, तो 17,900 जैसे बंद होता है आपका 17,350 का जो लो बना था 2 दिन पहले वो आपका बॉटम हो गया, अब वो वापस आप नहीं देखेंगे, क्लियर है? ठीक है, ये और 17,600 इंट्राडे 17,350 बॉटम हो गया, क्लोजिंग 17,600 आपका बॉटम हो गया। 850-900 आज 850-900 आता तो वहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो भी बता दूं। वीकेंड सेशन है, डाउ आपका थोड़ा ढीला दिखा है, मंडे को आपको वापस ये खबरें दिखेगी, अगर आपके रिस्क लेने की ताकत है तो हेज करके जाएं पुट लेकर, गॉट इट, क्योंकि क्या है वीकेंड पर कोई और खबर अच्छी बुरी जो भी आ जाए, यस सर, वो मूड
बिगाड़ भी सकती है, सुधार भी सकती है। बिल्कुल। अमेरिका का सपोर्ट आपको कम मिलेगा इसकी संभावना पूरी है, और क्यों है वो भी बता दूं, क्योंकि नैस्डेक फ्यूचर जो आपको खराब दिख रहे हैं वो रिजल्ट्स की वजह से खराब दिख रहे हैं। बिल्कुल। जो मार्केट बंद होने के बाद कल आए तो वो रिजल्ट तो आए और पता रहे, उसके दम पे नैस्डेक को तो नीचे जाना ही जाना है। बिल्कुल जाना है ना। तो कम गिरे या ज्यादा गिरे बात उतनी, गिरना तो पक्का ही है। आज हम बढ़ रहे हैं, हम हमारे अपने रीजन से बढ़ रहे हैं, हम डाउ नैस्डेक देखे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मंडे को क्या, मंडे को अगर कोई नए ट्रिगर हमें अपने मिले तो हम उस पर ट्रेड करेंगे, नहीं मिले तो क्या, तो क्या? डाउन नैस्डेक पे। इसलिए मंडे के लिए सिर्फ अपने बाजार देख के तेजी में जाने में रिस्क है, तो उस हिसाब से आपको तेजी की पोजीशन पर हेजिंग रखना जरूरी है। और वही अगर 17,900 मिल जाए, दो दिन पहले 350 था, अगर 850, 900, 500, 600 पॉइंट मिल रहा है ऊपर, तो बुक करके वापस देख लीजिए मंडे। रिस्क क्यों लेना है, पैसा बन रहा है, ऐसे मार्केट में बन रहा है वही बड़ी बात है। ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए रहा है। गॉट इट। जो पोजिशनली ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ठीक है। अब आइए बैंक ट्रेडिंग। जी, अपना फॉर्मूला क्लियर है। 41,400, 41,650, 415 का लेवल था एग्जैक्टली, 419 का हाई बना है। तो 41,400, 41,650 अपने कंजेशन जो है, अगर आज 41,650 के ऊपर बंद होते हैं तो हम लॉन्ग पोजिशन बना के जाएंगे, ठीक है, सेम जैसे 17,900, ठीक है। और नहीं बंद होते तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करेंगे। अब बैंक्स के लिए एक एडिशनल पॉइंट है, SBI BOB, BOB आ गया, SBI आना बाकी है, वो मेक और ब्रेक है। अगर SBI ने रिजल्ट्स अच्छे दे दिए तो वो 41,650 पार, नहीं दिए तो आपको 41,150 वापस आना है। कितना? 41,150, और वहाँ 175 मान लो 25 पॉइंट, और वहाँ लपक के ले लेना है 150 पे। गॉट इट। बस ये क्लियर है। और बाकी अदानी ग्रुप को ऊपर नीचे देख के बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। समस्याएं हो गई हों, खत्म हो गई हों, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो पता नहीं। ये स्टॉक जो अभी 1682 का हाई बनाकर आया था फ्यूचर्स में, अदानी एंटरप्राइजेज, अभी 1625 भी है, 150 रुपये, 10-15% का मूव ऐसे ऊपर नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये सोच लेना कि सब कुछ ठीक हो गया है वो भी ठीक नहीं, सब कुछ खराब ही रहेगा वो भी ठीक नहीं। सो वहाँ से छोड़ के बाकी बाजार में हजारों चीजें आपके लिए करने की, वहाँ फोकस करिए। गॉट इट सर। चलिए, तो ये है आपके लिए बाजार पर पूरी स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। इस बीच कुणाल जी एक बार चार्ट पुल अप कर लें। कंजा नेरला के नंबर्स आ रहे हैं और कुछ ज्यादा खास नंबर्स है नहीं। हम पेंट कंपनीज में लगातार दबाव देख रहे हैं। बर्जर के तो काफी खराब नंबर थे, हालांकि उस पर उसके बाद स्टॉक रिएक्ट पॉजिटिवली कर गया सुबह के डिप के बाद। आय सपाटी रही है, 17 करोड़ आय बढ़ी, 1810 करोड़ से बढ़कर 1827, और मुनाफा करीब 18 करोड़ घटा है, 128 करोड़ से घट के 110 करोड़ देखना पड़ेगा। इनके मार्जिन्स की पिक्चर कैसी रही है, क्योंकि वहीं पर परेशानी आपको आती हुई दिखी है इस पूरे स्पेस के लिए इस समय, मार्जिन्स मार्जिन्स मार्जिन्स। तो देखते हैं मार्जिन्स जब तक आए, तब तक एक बार राय जरा चार्ट पर दें कुणाल जी। देखिए दीपांशु, इस चार्ट को अगर आप देखें तो काफी अरसे से कंसाइ नेरोलैक बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 360 के आसपास, 360 से लेकर 370 के आसपास मुझे एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है। तो मेरी राय में देखिए, इन स्तरों पर कुछ भी ना करें, नीचे कभी आपको स्टॉक मिलता है 365, 370 के आसपास, तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करें, वो ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। ट्रेडिंग का इरादा इस शेयर में छोड़ दें। तो यह है आपके लिए कंसाइ नेरोलैक, जहां पर आपको रखनी है नजर, ये काउंटर आपके रेडार पर होना चाहिए। आई इंटरग्लोब एविएशन, इसके आने वाले हैं नतीजे, एक और कंपनी जो क्रूड के प्राइसेस से क्लोजली लिंक्ड है। कुशल हमें बताने के लिए तैयार है, कैसे रहेंगे इसके अर्निंग्स, कुशल बताइए। बिल्कुल, देखिए दीप, यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से ओवरऑल बेहतर साइड पर ही नंबर्स रहने का अनुमान है, क्योंकि क्रूड की कीमतों में जो गिरावट आई है उसका तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही एयर डिमांड ट्रैफिक वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ी थी इस तिमाही में। तो यहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, 14,000 करोड़ लगभग कंपनी अपना रेवेन्यू दर्ज कर सकती है, 12,497 करोड़ से बढ़कर लगभग 12.5% की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। साथ ही कंपनी का जो एबिटडा है वहाँ पर 511 करोड़ रुपये की हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, यानी कि 229 करोड़ से बढ़कर 510 करोड़। इससे कंपनी की मार्जिन्स में भी सुधार आएगा और ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखेगी, 1.8% के मुकाबले 3.6%, और कंपनी का जो घाटा था पिछले साल 1600 करोड़ रुपए का, वो इस बारी 4,850 करोड़ रुपए के मुनाफे में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो चौथी तिमाही है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं एनालिस्ट। और साथ ही जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वहाँ पर भी Q3 FY23 में लगभग 86-90% का PLF था, तो जाहिर सी बात है कि सीट्स फुल है, हर रूट्स में आपको एंगेजमेंट दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इससे क्लियर कट इंडिकेशंस यही मिल रहे हैं कि जो डोमेस्टिक एयरफेयर्स भी बढ़ते हुए दिखे थे। तो ऑल इन ऑल जो नंबर्स क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर रहेंगे इंटरग्लोब एविएशन के, वो अच्छे साइड पर ही रह सकते हैं। तो अच्छे साइड पर ही रह सकते हैं इंटरग्लोब के नंबर्स का सर, एक्सपेक्टेशंस तो यही बता रहे हैं। अच्छा, एक शेयर जो नहीं है, क्या क्या है, क्या
आपको हवा में उड़ाएगा वो शेयर, क्या था कुछ तो ऐसा था सुमित जी के, हाँ सुमित जी का था, सुमित जी का था करेक्ट अनिल जी, वो एक्चुअली सुबह राकेश जी बोले थे कि मेरा शेयर कोई उड़ा ले गया, तो मैंने बोला शेयर स्टॉक कैसा रिकमेंड करते, याद आया, यस यस यस। तो इंडिगो की चार्ट देखिए जरा सुमित जी। अनिल जी देखो आप अभी फ्लाइटों में भी किधर भी जाओगे ना तो सबका फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिगो ही बना हुआ है, तो एयरपोर्ट पे जो इतनी भीड़ लगी हुई है, जो बसिन साहब अरवाल कहते हैं पैर रखने को जगह नहीं है, तो ये सारी जगह मोस्टली फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिगो को सिलेक्ट करके रखी गई है, सब इंडिगो ही बुक करना चाहते हैं क्योंकि बाकी फ्लाइटों पे कुछ ना कुछ इशू रहता है, तो मुझे इंडिगो चार्ट्स के ऊपर भी मौजूद लग रहा है और ये सारी ग्राउंड चेक रिलेटिव को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि इंडिगो यहाँ से ऊपर का मूव ही दिखाना चाहिए, ये जल्दी स्टॉक यहाँ से 2200 का लेवल क्रॉस करना चाहिए। बहुत दिनों से बसिन साहब ने कहा नहीं है, बिल्कुल आजकल लगता थोड़ी सिचुएशन कंफर्टेबल है एयरपोर्ट्स पे, नहीं मेरे पेरेंट्स भी अभी गए थे बैंगलोर गए थे फिर वापस आए, प्रॉब्लम नहीं हुई, इनफैक्ट 2 घंटे पहले गए 15 मिनट में चेक इन हो गया। अच्छा। फिर बैठे रहना पड़ा तो ठीक हो गया, सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड। वो तो हमेशा वो तो हमेशा ऐसे ही होता है, आप पहले पहुंचोगे तो भीड़ नहीं मिलेगी, लेट पहुंचोगे तो भीड़ मिलेगी, मेरे साथ तो कॉन्स्टेंटली ऐसा होता है उल्टा ही। कुछ कुणाल जी कुछ विशेष टिप्पणी कौन करना कौन, अच्छा कुणाल जी बोलिए सर। अनिल जी देखिए मैं और बंसल जी कल ही मुंबई एयरपोर्ट पर थे, बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो अनिल जी आप जो कह रहे हैं अनिल जी एयरपोर्ट पर भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन अब अनिल जी एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, बंसल जी तो अनिल जी एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे, इतने सारे शॉपिंग के विकल्प और क्या कुछ एयरपोर्ट पर हो गया है, खाने की भी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, एयरपोर्ट नहीं अनिल जी शॉपिंग मॉल बन गए हैं। अनिल जी बंसल जी को आपने बताया नहीं कि वो आशीष जी जो उन्हें गुरुग्राम लेकर जाते हैं वहाँ पर कौन सा ड्यूटी फ्री ज्यादा सस्ती है, क्यों आशीष जी? करेक्ट नहीं अनिल जी वो ड्यूटी फ्री तो वहाँ सस्ती है, लेकिन यहाँ पे अनिल जी बाकी जो अच्छे स्टोर्स हैं, जो आप T2 में जाएंगे मुंबई में, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग स्टोर्स यहाँ पे हैं, और सबसे बड़ी अच्छी बात है अनिल जी यहाँ पे कोई भीड़ नहीं होती है, क्योंकि एयरपोर्ट में सिलेक्ट लोगों के पास टाइम होता है, मैं तो 1 घंटा पहले चला जाता हूँ कि सेल वेल लगी हुई है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे आराम से देख सकते हैं और साइजेस भी आराम से मिलते हैं अनिल जी एयरपोर्ट पे। अभी अब लाइव आपने ये ना मतलब वो गुरु मंत्र दे दिया लोगों को, अब वहाँ पे भीड़ शुरू हो जाएगी, और अनिल जी वो जो था ना पिछले दिनों में चल रहा था पाँव रखने की जगह नहीं है पाँव रखने की, वो अनिल जी इतनी पाँव रखने की जगह नहीं थी कि मार्केट के पाँव लड़खड़ा गए उसके बाद, तो अनिल जी जगह बन जाए तो अच्छा ही है। ओके ओके इसमें बंसल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है आप दोनों के जवाब में, जी बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी यहाँ सब लोगों को मालूम है एयरपोर्ट पे पांव रखने की जगह नहीं है, सब ट्रैवल कर रहे हैं अनिल जी, तस्वीरें डालते हैं ऑफ एयर वाले ऑन एयर वाले, बट अनिल जी एक चीज किसी ने नोट नहीं करी, इंडिगो जो है अनिल जी पानी की बोतल नहीं देता अनिल जी, वो डिस्पोजेबल वाले ग्लास में छोटे से निक्के से ग्लास में पानी डाल के देता है, तो पानी में भी अनिल जी पैसा बचा रहा है, और अभी जो रिजल्ट का वो प्रीव्यू वगैरह जो आया अनिल जी उसमें मार्जिन घटने की उम्मीद है, ऐसा क्यों अनिल जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पानी तक तो पिला नहीं रहा इंडिगो अनिल जी। मेरी भावनाएं आपके साथ है, संवेदनाएं आपके साथ है, बात तो सही है, अच्छा ढंग से ना पकड़ो तो वो कब टूट भी जाता है, टूट जाता है हाँ वो वैसा वाला है करेक्ट। चलिए इंडिगो तक आपकी बात पहुँचाई जाएगी, चिंता ना करें, आपको मार्केट ने जिस तरह से अच्छे से पानी पिलाया है इंडिगो भी आपको उसी तरह से अच्छे से पानी पिलाएगा, चिंता नहीं करें। वैसे इंडिगो भी पानी पीता नजर तो आ रहा है, मजबूत खुलने के बाद 1.5% अब नीचे हो चुका है, नतीजों से ठीक पहले आइए अब करते हैं मुलाकात बसिन साहब से। आपका स्वागत है बसिन साहब, बताएं सर आपकी तरफ से अपडेट्स पहले तो और बाजार पर व्यू भी। अपडेट आपको कल निफ्टी दिलाया था और बोला था 18,000 के समक्ष बेचना, 200 आपको मंगलवार को दिख जाएगा। दूसरा रिलायंस था बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए क्या रिजल्ट आए, 153 वाला 163, 185 का भाव आ जाएगा आपको 3 दिन में, 3300 के सामने 3850 का प्रॉफिट, 10,800 की नेट इंटरेस्ट इनकम, द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कोई जरूरत नहीं है मंदी की, यही समय है लेने का, आई थिंक दैट दिस इज द बेस्ट ऑपर्चुनिटी, अगले हफ्ते 18,200 के दर्शन आपके हो जाएंगे एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर, इस महीने में 18,500 भी आएगा, लेकिन अभी तो आप लेने की चेष्टा कीजिए, आपके लिए 2 वीक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बाय द वे अब आपको टाइटन का था, रिलायंस का था और बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों आउट परफॉर्म है, अब 2 पिक्स है आपके लिए, बताए सर अब क्या करना है। REC, REC, PFC दोनों लीजिए,
REC का भाव 17-17.5 है. द बेस्ट एवर रिजल्ट. द यील्ड आर फॉलिंग. देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन विल बी हाई एंड दे विल बी एबल टू मेंटेन इट. REC इज द बेस्ट प्ले ऑन द पावर लेंडर. 117-17.5 में लीजिए. 13.5 का स्टॉप लॉस. 125 इसका 125-27 का ढाई था. दिस इज गोइंग बैक देयर. REC एंड PFC 137-39 में लीजिए. स्टॉप लॉस ऑफ 133.50. टारगेट ऑफ 148 ऑन PFC. तो REC और PFC दोनों में आपको करनी है खरीदारी. REC की अगर आप बात करें तो 125 और 127 ये आपके लिए दो टारगेट्स बन रहे हैं. 113.50 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और PFC में भी वैसी ही मूव आ रही. PFC के एक बार टारगेट्स भसीन साहब फिर से बताएंगे. 147-148 और स्टॉप लॉस सर 135.50 स्टॉप लॉस 148 टारगेट. तो PFC REC दोनों में करें खरीदारी है भसीन साहब की राय. दोनों पावर लेंडर्स सर को पसंद आ रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए. नतीजे भी आपको आते हुए दिख रहे हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के. ऑन फर्स्ट कट ठीक ठाक नतीजे आपको दिख रहे हैं. ऑपरेशनल बेसिस पर थोड़ा कामकाजी मुनाफा बढ़कर ही आए. 441 करोड़ से 472 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है. मार्जिन्स बिना बदलाव के 12.9% पर है तो मेंटेन करें. पर देखना पड़ेगा किस तरह की इनकी टॉप लाइन परफॉर्मेंस रही है. आय का आंकड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. मुनाफा यहाँ पर मुनाफे में थोड़ी कटौती देखिए. 278 करोड़ से घटकर 236 करोड़ का है. आय 3410 करोड़ से बढ़कर 3666 करोड़ की आई. तो देखना पड़ेगा अगर कुछ टैक्स की वजह से आपने कटौती यहाँ पर देखी मुनाफे में या फिर कोई वन टाइम एडजस्टमेंट है या अदर इनकम की फॉल है. क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखें तो रेवेन्यू कामकाजी मुनाफा ये अच्छा ही रहा है कंपनी की तरफ से. ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये आपके स्टॉक पर स्क्रीन पर दिख रहा है काउंटर. बट बढ़िया मूव जो बाजार में बनी हुई है. एक टाइटन पर राय बनती है धर्मेश जी की तरफ से भी. धर्मेश जी नंबर्स तो उतने खास नहीं थे 24 घंटे पहले आए थे बट जो कमेंट्री रही है उसके बाद से हम देख रहे हैं 6-7% ऊपर टाइटन है. आप भी कमेंट्री से उतने ही पॉजिटिव हैं सर जितना बाजार आज रिएक्शन दे रहा है टाइटन को. धर्मेश जी आपका ऑडियो म्यूट है सर. सॉरी. टाइटन के स्टॉक प्राइस में काफ़ी लंबा करेक्शन हो रखा था नतीजे आने से पहले. तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली एक बनती थी वहाँ पे जो आज देखने को भी मिल रहा है मार्केट में. बट मुझे नहीं लगता कि टाइटन की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अब 35-40% वाली रहेगी जो पिछले 6-8 साल में देखा गया था. इट विल मॉडरेट आगे जा कर के ये 20-25% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ अगर कर लें तो वो भी इनके लिए कमेंडेबल रहेगा. सो उस लिहाज से अगर देखें तो वैल्यूएशन मोर और लेस परफेक्शन के पास ही है. थोड़ी और 4-5% की आगे बाउंस बैक रह सकती है बट आगे जाके इनको काफ़ी बड़ा कंपटीशन अलग जो सेलर्स हैं जैसे मालाबार हो गया ये सब काफ़ी अच्छी रीच बना रहे हैं Tier 2, 3 and 4 सिटीज़ में. अगर आप वो सब शहरों में ट्रेवल करेंगे तो अब सब ब्रांडेड शॉप्स की जो ज्वेलरी रिलेटेड है वहाँ पर खुलने लगे हैं. तो पहले एक टाइटन या तनिक सी एक होता था जहाँ पर एक ब्रांडेड मिलता था बाकी सब लोकल ज्वेलर्स होते थे. सो बाकी जो ज्वेलर्स हैं अब इनको इनसे टाइटन को बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है. तो ठीक है एक शॉर्ट कवरिंग रैली है बट कोई बहुत कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ईयर ऑन ईयर की स्टोरी मुझे टाइटन में अभी तो नहीं लगती है. मतलब ऑलमोस्ट 30-35 के मल्टीपल पर तो नहीं लगती है. बढ़िया फर्स्ट क्लास टाइटन पर यह है आपके लिए राय. आइए आशीष जी की तरफ भी से भी एक राय आ रही है. आशीष जी बताएं सर. अनिल जी निफ्टी में एक बुल स्प्रेड बनाना है. अभी चल रहा है अनिल जी निफ्टी 17-830. तो अनिल जी 17-800 की एक कॉल लेनी है, 18,000 की दो कॉल बेचनी है और ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी सिर्फ 43 रुपीज में. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अनिल जी 17-800 की एक कॉल लेनी है, 18,000 की दो कॉल बेचनी है. इसकी कॉस्ट है 43 रुपीज. नीचे में वर्स्ट केस 43 रुपीज. ऊपर कहाँ तक सेफ है अनिल जी? 18,200 तक. अनिल जी मुझे लगता है जो जैसे हमने जो बजट वाला हाई देखा था जो एक रेजिस्टेंस भी है बहुत बड़ा और जो हमारे को लगता है कि रिकवरी जहाँ तक जा सकती है वो 18,000-18,050 तक जा सकती है. तो अनिल जी अगर 18,000-18,050 तक चला गया तो इस स्प्रेड में जैकपॉट लग जाएगा. बट अनिल जी मैं जैकपॉट की अक्सर वेट नहीं करता हूँ. कुछ लोग ऐसा है कि कई बार प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बहुत जैकपॉट के लिए रख लें तो ठीक है बट मुझे लगता है अनिल जी ये फिर ये 43 रुपीज़ जो मेरे हैं मतलब जो हमने लगाए हैं ये डबल हो जाने चाहिए या 2.5-3 times हो जाने चाहिए. टारगेट वही होता है अनिल जी तो ताकि रिस्क कम हो और पैसा डबल होता रहे. जो हमने लगाया जो मेरी
पीक कॉस्ट है। तो अनिल जी ये 43 वाला स्प्रेड मुझे लगता है कि 100 रुपए दे जाएगा और ये बनाना चाहिए। और अनिल जी अच्छा स्प्रेड है क्योंकि निफ्टी में जो आज ट्रैक्शन आई है, जैसे मैंने अनिल जी हम दो दिन से बोल रहे हैं कि बहुत हो गया मार्केट में, अगर नहीं भी हो गया अनिल जी उतार चढ़ाव बहुत रहेगा, लेकिन ऑप्शन के ट्रेड से बिल्कुल शांति बनी रहती है, कोई मतलब कोई आप जिटरी नहीं होते अनिल जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। नहीं तो आप कोई भी ट्रेड कर दीजिए लॉन्ग शॉर्ट, आप राइट रॉन्ग होते रहेंगे और एंड में जीरो सम गेम होगी और नेगेटिव ही रहेंगे। आपके लिए निफ्टी पर एक बुल स्प्रेड आशू सर की तरफ से आते हुए दिख रहा है, 17,800 की एक कॉल खरीदनी है और 18,000 की दो कॉल्स बेची। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एक तेजी के संकेत अब मिल रहे हैं यहां से। स्टॉक का भाव चल रहा है 2324 रुपया, 2325 रुपया, 2325। स्टॉक का नाम पीडीलाइट। पीडीलाइट के अंदर एक करेक्शन के बाद नीचे में 5 से 7 दिनों का साइडवेज कंसोलिडेशन मूव देखने को मिला और आज पीडीलाइट के अंदर एक बाउंस बैक और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं, जिसके अंदर मेरे को लग रहा है कि पीडीलाइट अब यहां से एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ दिखाएगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट बन रहा है 2275 के पास का बन रहा है, 2275 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। यहां से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2375 का इसके अंदर पहला टारगेट रहेगा, 2400 का इसके अंदर दूसरा टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहेंगे ये, पोजिशनल टारगेट और भी ऊपर के होंगे। 2275 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 2375 और 2400 के टारगेट्स के लिए। ये है आपके लिए खरीदारी करने के आज सुमित जी की तरफ से। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिमांशु जी पहले तो बधाई स्वीकार कर रहे हैं, मैं कब से तो मैं भूल ही कि आप बैठे हो सच्ची बता रहा हूँ दिखाओ एक बार है कि नहीं हिमांशु जी, बोले मेरे को बोला हिमांशु जी कॉल, मैंने कहा हिमांशु जी कहाँ हैं, आए तो ही नहीं शो में, आप 2 बजे से हो। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, थोड़ा सा टेक्निकल उनके चलते थोड़ा सा लेट ज्वाइन होता है। तभी मैं वही सोचा, मैंने कहा 2 बजे जब मैंने सबको स्वागत किया माल्यार्पण करके और तिलक लगाकर, तब तो आप थे नहीं और सबको मैंने वेलकम गिफ्ट भी दिया था, आपका मिस हो गया सर, कोई बात नहीं, चलिए आपको तो ये फील हो रहा है आपका, बाकी सबको भी फील हो रहा है कि उनका भी नुकसान हो गया, मिला उनको भी कुछ भी दही है। अच्छा सबसे पहले तो आप बधाई ले लीजिए, कल 40,700 का कॉल ऑप्शन में बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कॉल ऑप्शन आपने जो दिया था, आज तो गजब ही एक्शन में आता हुआ दिखा है। बताएं सर अब आज क्या इरादा है। जी अनिल जी, तो अनिल जी आज ब्रॉडर मार्केट में काफी फ्रंट लाइनिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, और ऐसा ही बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें डेटा ये क्लियर कट शो कर रहा है कि यहाँ पर दोनों में ही शॉर्ट कवरिंग बनते हुए नजर आ रही है। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर एक अच्छी रैली यहाँ से करंट लेवल से भी बनती हुई नजर आ सकती है और शायद आपको मंडे या ट्यूजडे के सेशन में यहाँ से और 100-150 रुपए की तेजी देखने को मिले। तो 6,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे 150 रुपए के आसपास। यहाँ पर 120 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 180 रुपए और 200 रुपए के दो टारगेट्स बजाज फाइनेंस की 6,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये बजाज फाइनेंस में अनिल जी कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलना है। और अनिल जी एक अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था एयरपोर्ट पे जो जल्दी हो जाता है चेक इन और टाइम कम लगता है, तो उस पर मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ अनिल जी। और करो सर छोटी बड़ी, 3:30 तक आपके पास टाइम ही टाइम है। थैंक यू सर जी। अनिल जी मैं कल राकेश जी और कुणाल जी के साथ भी ये चीज डिस्कस कर रहा था कि एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है जिसका नाम है डिजी यात्रा, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। अनिल जी ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, इसमें पहले ही आप अगर अपना एनरोलमेंट करा लें, अपना बोर्डिंग पास अपडेट कर दें, तो दिल्ली जैसे एयरपोर्ट में जहाँ पर बहुत लंबी कतारें लगती हैं वहां पर इसके लिए एक अलग से काउंटर है। और यू विल नॉट बिलीव, जब मैं बजट के लिए आ रहा था तो मेन फ्रंट लाइन सिक्योरिटी से लेकर जो सिक्योरिटी चेक इन है वहां तक का दायरा सिर्फ 5 से 6 मिनट में मैं ये पूरी कतार निकल क्लियर करने में कामयाब रहा था। तो बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है अनिल जी ये डिजी यात्रा, और अनफॉर्चुनेटली मुंबई के एयरपोर्ट पर ये एप्लीकेबल नहीं थी, अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, हालांकि ये 4 एयरपोर्ट्स पर शुरू हो चुकी है। ओके तो आप बंसल जी को स्मार्ट बनने की राय दे रहे हैं, यही ना इनडायरेक्टली? जी जी हाँ भी बोल रहे थे बंसल जी, हाँ भी बोल दिया, चलो बढ़िया है। ओके कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आ रही है पिक ऑफ द डे। हाँ
तो हमारे स्मार्ट कुणाल जी और राकेश जी बताएंगे पिक ऑफ द डे। बताए सर। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है और खरीदना है टाइटन को। टाइटन की चर्चा हम लोग कल कर रहे थे, दो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे जिसमें एक इम्पोर्टेंट लेवल आज पार होता हुआ नजर आ रहा है 2400 के ऊपर। अब इसका आज का क्लोज देना तय हो गया है तो हमने पूरा इंतजार किया। ब्रेकआउट अब यहां पर कंफर्म हुआ है और इसी वजह से हम इस पर पिक ऑफ द डे में खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो टाइटन खरीद करके चलना है। ओवर टू श्रीमान राकेश बंसल जी। अनिल जी बेहतरीन, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अनिल जी कल ही मैंने नतीजे जब आए थे खराब थे, मैंने जिक्र भी करा था कि इसका बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट आता है, मतलब कि वो जो ग्रैंड माया अपने बेटे को छोड़ने को तैयार है, कह रही है कि ये तो तुम एक्सचेंज नहीं हो सकते, तो बहुत अच्छा ऐड है। और टाइटन में नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है। और अनिल जी नीट क्लीन से मतलब यहाँ पर ये है कि पिछले 13 दिन के हाइस को सिंगल कैंडल ने अनिल जी क्रैक करा है, तो एक बड़े अर्जे का एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 2400 का स्टॉप लॉस है, 2552 का टारगेट है। टाइटन है अनिल जी हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। और जो अनिल जी अभी मेरे को मेरे मित्र हिमांशु जी स्मार्ट होने की राय दे रहे थे, तो अनिल जी हम सिर्फ घर पे ही हमारी वो स्मार्टनेस ही चलती है, एयरपोर्ट पे पूरी चलती है। अनिल जी पूछिए कल, अनिल जी पूछिए कल, इन्होंने भी आपका जलवा देखा नहीं देखा, कल मैंने वहां एयरपोर्ट पे कुणाल जी और आपकी तस्वीर दिखाई थी, पूछिए इनको वीआईपी ट्रीटमेंट एयरपोर्ट पे मिला कि नहीं मिला। किसे दिखाई? गजब है, मैं जाता हूँ मुझे कोई नहीं पूछता, मैं तो ऐसे ही लाइन में लगता हूँ खड़े। मेरे को तो ये सीखना पड़ेगा सर, कैसे किया, मैं किसकी दिखाऊं? मैं वो सोच रहा हूँ जिससे मुझे बेनिफिट मिले। जी हिमांशु जी बोलिए, एक मिनट हिमांशु जी बोलिए। जी अनिल जी, कई बार मुझे भी ऐसा लगता था कि बंसल जी ये ऐसे ही बोल देते होंगे, लेकिन कल मैं इसका साक्षात प्रमाण हूँ। अच्छा, कल ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट मुंबई एयरपोर्ट पर मिला जो कि मेरी कल्पना से परे था। वाह भाई, अच्छा जी जी कुणाल जी। अनिल जी आप भी अपनी तस्वीर रखिए अनिल जी अपनी पॉकेट में, अनिल जी तभी ये सब मिलेगा। मैं तो भाई साहब पहले से टाइम से जाता हूँ, लाइन में लगता हूँ, आराम से मेरा काम हो जाता है और बिल्कुल मस्ती से हो जाता है। चलिए वागले साहब के पास चलते हैं। वागले साहब, कोई बिगुल आपके लिए या फिर कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी कुछ कहना चाहता हूँ अगर जी आप इजाजत दे तो। अरे सर पूछो, ये सब मेरा... कौन से इजाजत ले लेके बोल रहे हैं आप तो ऐसे बात कर रहे हो। जी मैं राकेश जी से कुछ कहना चाहता हूँ, वो आपकी तस्वीर लेके इतना कुछ ये कर रहे हैं तो आपको ले जाएंगे तो क्या क्या कर लेंगे, शायद एयरक्राफ्ट ही आपके लिए गिफ्ट हो जाएगा। ये बात तो सही है, इनका होना हो मेरा तो भला हो जाएगा। एनीवे चलिए, तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे के तौर पर टाइटन खरीदने की राय, जहाँ 2400 का स्टॉप लॉस लगा कर खरीदारी, 2552 के टारगेट क्लियर। दीप कल रिजल्ट आया तो हम यही बात करते हैं, ये बोल रहे देखो 300 रुपये घटा हुआ है पिछले रिजल्ट से इस रिजल्ट में, यस, और इसलिए अब इसमें बेचना नहीं बनता, बेचना नहीं बनता। और कल एक और राय मुझे याद आ रही जैन साहब की। जी जैन साहब साफ बोला थे कि हालांकि मैं ट्रेक नहीं करता, बड़े आपके साइड में थे, हाँ। यहाँ बेचना नहीं है, यस, क्लियर कट सेल नहीं है। करेक्ट सर। और वहाँ से बढ़िया है कि जो कौन कॉल आई है बहुत ही मजबूत है और उस कौन कॉल ने सारे डाउट क्लियर कर दिए। इसलिए रिजल्ट की इंपॉर्टेंस है, रिजल्ट के पहले के मूव की इंपॉर्टेंस है, रिजल्ट के दिन, रिजल्ट के बाद और रिजल्ट के कौन कॉल की भी इंपॉर्टेंस है। आइए बढ़ते हैं आगे। एक कॉल आ रही है आशु सर की तरफ से, आशु सर के लिए हाँ बिगुल। बताएं सर। अनिल जी कोटक बैंक की 1780 की कॉल लेनी है 30 से 32 रुपए के बीच में, 30 से 32 रुपए के बीच में अनिल जी 1780 की कॉल लेनी है, 19 रुपए का स्टॉप लॉस और इसका भाव अनिल जी 50, 55, 60, मतलब यहां से एटलीस्ट 15 से 20 रुपए की मूव आनी चाहिए ऊपर में ऑप्शन में मुझे लगता है। तो अनिल जी ये अभी अभी हमने अपने क्लाइंट से शेयर किए हैं इसलिए मैंने आपको मैसेज किया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मार्केट में ट्रैक्शन आ रहा है और हमें डायरेक्शन ऊपर की मिल रही है तो जो 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 स्टॉक्स में ट्रैक्शन लग रही है उसमें सब में शेयर करना चाहिए। सो अनिल जी SBI भी अच्छा लगता है, कोटक भी अच्छा लगता है, अदानी पे मैंने अपना व्यू शेयर किया, मार्केट पे किया, तो अनिल जी मुझे लग रहा है कि ये निफ्टी का भी जैसे बुल स्प्रेड दिया तो ये अनिल जी राइट टाइम है कि मतलब इस मार्केट में लेके जाना चाहिए और लेना अनिल जी ऑप्शन दे चाहिए ताकि मतलब जो ऊपर नीचे की जो न्यूज आती है अनिल जी वो जो टेम्परेरी उतार चढ़ाव है ना उससे आप, क्योंकि अगर फ्यूचर होता है तो बिल्कुल आप डर के सौदा कट जाता है अनिल जी अनलिमिटेड लॉस से, सौदा हमेशा मैं बोलता हूँ अनिल जी लॉस से नहीं कटता, अनलिमिटेड लॉस के डर से कटता है, तो जब वो डर ही खत्म हो जाएगा तो सौदा क्यों कटेगा। तो चलिए मोमेंटम आ रहा है कोटक बैंक, इस पर रखी नजर। 41,500 पर
बैंक निफ्टी अब आपको आते हुए दिख रहा है 850 की तेजी है, डेज हाई पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और प्राइवेट बैंक्स की तरफ से सबसे ज्यादा योगदान है इस समय। आइए कल कुछ और नतीजे भी आने वाले हैं उसकी कर लेते हैं बातचीत। अरमान है हमारे साथ दालमिया भारत की बात करने के लिए। अरमान बताइए, माफ कीजिए, जेके सीमेंट की बात करने के लिए। अरमान बताइए जी, जेके सीमेंट के भी नतीजे आपको आने वाले हैं। जेके सीमेंट के अगर आप नतीजे देखेंगे तो वो रविवार को है, रविवार को जेके सीमेंट के नतीजे आने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल आपको मिक्स सेट ऑफ आपको नतीजे दिखेंगे। आय में लगभग आपको दिखेंगे लगभग 18% के आसपास की बढ़त दिखेगी। वहीं मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में आपको कटौती आती हुई दिखेगी कि 19% से गिरकर लगभग 15% के आसपास आते हुए दिखेंगे। अब आय क्यों बढ़ेगी, उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप ग्रे सीमेंट और व्हाइट सीमेंट दोनों में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। ग्रे सीमेंट लगभग 23% के आसपास बढ़ के आएंगे वहाँ पर वॉल्यूम, और अगर व्हाइट सीमेंट की आप बात करेंगे तो वहाँ पर लगभग 12% की बात बढ़त दिखेगी, वहाँ पर आपको 12% की थोड़ी गिरावट आती हुई दिखेगी। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे अगर रेवेन्यू फिर भी बढ़ेगा, उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि रियलाइजेशन जो है वो इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि व्हाइट सीमेंट के अगर रियलाइजेशन में आपको 8% की बढ़ोतरी दिखेगी, वही ग्रे सीमेंट के जो है रियलाइजेशन वहाँ पे फ्लैट रहेंगे। तो ग्रे सीमेंट में वॉल्यूम कम होगा और रेवेन्यू और जो रियलाइजेशन है वो फ्लैट रहेंगे, व्हाइट सीमेंट में वॉल्यूम भी बढ़ेगा और रियलाइजेशन भी बढ़ेगा। इसके चलते आपको ओवरऑल रेवेन्यू में आपको उछाल दिखेगा, पर मार्जिन्स में आपको कटौती इसलिए दिखेगी क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वहाँ पर लगभग आपको 12% की आपको बढ़त दिखेगी। इसीलिए जो मार्जिन्स का जो हमारा अनुमान है वो लगभग 19.1% से गिरकर 15.1% के आसपास का अनुमान है। और इसका एक रीजन ये भी है आपको आय में थोड़ी बढ़त दिखने का, क्योंकि जो मध्य भारत में जहां पर है जो उन्होंने भाव बढ़ाए थे उस कारण जो है रियलाइजेशन में आपको बढ़त मिलेगी। तो ओवरऑल रेवेन्यू आपको अच्छा दिखेगा पर मार्जिन्स में आपको कटौती दिखेगी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा तेजी से बढ़ा है जिस तेजी से रियलाइजेशन या वॉल्यूम बढ़े। तो यह है आपके लिए जेके सीमेंट जिस पर रखनी है नजर। धर्मेश जी एक बार जरा सीमेंट अर्निंग्स पर भी अपनी राय दें। इंडिया सीमेंट के नतीजे आए थे, नतीजों के बाद थोड़ा वीक रिएक्शन आया, अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। ओवर द वीकेंड डालमिया और जेके दोनों के नंबर्स आने वाले हैं सर, जरा बताएं क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए सीमेंट पैक से। एक्सपेक्टेशन काफी पॉजिटिव है सीमेंट पैक से। नतीजे में मार्जिन तो नोन था कि जिससे जिससे इनपुट कॉस्ट बढ़े थे तो थोड़ा मॉडरेशन रहेगा, बट जो बजट में रोल आउट हुआ इंफ्रा स्पेंडिंग 30% से बढ़ा के 7 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ कर दिया गया है और एनसीलरी इंफ्रा स्पेंडिंग की बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा होने वाली है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा प्राइवेट कैपेक्स भी रहेगा, रियल एस्टेट में वापस से ट्रैक्शन आ रहा है। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि सीमेंट सेक्टर एज अ होल वॉल्यूम ग्रोथ की अगर आप बात करें तो इस साल FY24 में अराउंड 11-12% का इनका वॉल्यूम ग्रोथ आना चाहिए। यहाँ मैं नॉमिनल GDP के हिसाब से 1:1 ही ले रहा हूँ, यूजुअली हिस्टोरिकली 1.3 के हिसाब से ये वॉल्यूम ग्रोथ आता है सीमेंट सेक्टर में विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल GDP जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है। वहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे लगता है अल्ट्राटेक मौजूदा जो माहौल है वहाँ पर बेस्ट बेट है, बिकॉज इसने जो मार्जिन है इम्प्रूव किया घटने की जगह। 13% लास्ट ईयर इनका मार्जिन था लास्ट क्वार्टर में और इस बार 14% बढ़ गया है, वॉल्यूम ग्रोथ भी 12% कर रहा है और प्राइस रियलाइजेशन जो इंक्रीज नहीं हुई है मुझे लगता है कि 10-15 रुपये का पर बैग इंक्रीज होना चाहिए फरवरी के महीने में। और एट द सेम टाइम लो इनपुट कॉस्ट जो आ रहा है, इन्वेंट्री के जो कॉस्ट घटते हुए इनको मिलेंगे उसका एडवांटेज भी मिलने वाला है आने वाले समय में। तो प्राइस ना भी बढ़ाएं तो भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट घटने वाला है। उस लिहाज से सीमेंट एज अ स्पेस तो काफ़ी बुलिश है, टॉप पिक वहाँ पर अल्ट्राटेक रहेगा। और आई थिंक मुझे सीमेंट में जिस तरीके का करेक्शन हुआ है 370-72 के भाव पर अभी ये ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक पोजिशनल व्यू से अगर 4-6 महीने का किसी का व्यू है तो इसे भी खरीद के चल सकते हैं। डालमिया भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है, ईस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, बट वो थोड़े लो क्वालिटी ऑफ सीमेंट बेचता है कंपेयर टू अंबुजा एंड अल्ट्राटेक। सो जो डीलर चेक्स मैंने किए थे उनके हिसाब से अल्ट्राटेक की जो बिजनेस है ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जहाँ डालमिया की पकड़ काफ़ी अच्छी हुआ करती थी वो थोड़ी घट के अब अल्ट्राटेक के पास मूव हो रहा है। सो डालमिया भारत थोड़ा अवॉइड करें, रैमको एंड अदर जेके सीमेंट भी अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर रिटर्न के लिए खेलना है तो बेस्ट बेट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। देख सीमेंट ये रहेगा आपके लिए बेहतरीन स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी ACC में मुझे लगता है कि आज शॉर्ट ट्रैप होते हुए नजर आए हैं, एक क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन का एक यहाँ पर ब्रेकडाउन सुबह देखने को मिला और बहुत ही जल्दी उसका रिवर्सल भी देखने को मिला है। मेरा ऐसा मानना है कि ACC में यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक
2000 के ऊपर भी एक से दो दिनों में जाने का पोटेंशियल रखता है। तो ACC के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1940 के आसपास के लेवल्स हैं, 1935-1940 पे खरीदारी करें, 1910 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 2000 और 2025 रुपए के दो टारगेट्स मुझे लगता है मंडे तक आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ACC में खरीदारी करने की राय। थोड़ी देर में हम देंगे आपको कल के 2000 भी, उससे पहले टाटा स्टील के नतीजे का अनुमान। आशीष है तैयार, बताएं आशीष। सर नतीजे तो कमज़ोर आ रहे हैं, अब तक जितनी भी स्टील कंपनीज ने रिपोर्ट किए हैं नतीजे सबने कमज़ोर साइड पर ही किए हैं। टाटा स्टील में भी अगर आप देखें तो टॉप टू बॉटम पेन तो आपको साफ नज़र आएगा। आय का आंकड़ा देखिए, 13% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब खासियत यह कि वॉल्यूम्स गिरी हैं, रियलाइजेशन घटे हैं और कोकिंग कॉल जो ऊर्जा लागत है ये भी बढ़ती हुई नज़र आई है, जिसके चलते आप देखेंगे कि इनका जो कामकाजी मुनाफा है इसमें आपको 67% की गिरावट देखने को मिलेगी और मार्जिन 26% से घटकर करीब करीब 10% रह जाएंगे। मुनाफे में भी डेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यूरोप का कारोबार भी अच्छा नहीं कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो करीब 90% की गिरावट आपको यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिल सकती है, यानी 9573 करोड़ से घटकर करीब करीब 1200 करोड़ का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। एबिटा प्रति टन भी देखें तो आधे हो जाएंगे, काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन खास बात यह रहेगी कि चौथी तिमाही जहाँ पर अब सिचुएशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है उसको लेकर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, बाजार इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। नंबर सबको पता है सर कमज़ोर आएंगे, पक्का कमज़ोर आ रहा है। कमेंट्री कैसी आएगी, अब तो नंबर्स का फायदा ही नहीं, अब तो कमेंट्री पर पूरा चल रहा है। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अभी देखो क्या होता है। वैसे स्टील कंपनी के सबके रिजल्ट खराब है, रिजल्ट अब तक किसी पे, एक JSPL बढ़ा है नंबर्स के बाद में जी, बाकी तो सब कमजोर ही है जी। ओके, ये है आपके लिए टाटा स्टील, बट आइए अनिल जी की तरफ से तैयार है कल के 2000। बताया सर, एक बैंकिंग शेयर खरीदने की राय और खरीदना है आपको PNB का फ्यूचर, राइट। 51.50 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 2 रुपए नीचे 49.50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। सारे लेवल्स में फ्यूचर्स के ही आपको दे रहा हूँ और टारगेट रखने हैं 54, 56 और 58 के। SBI हमने ऊपर बेचने की भी राय दी थी, नीचे खरीदने की भी राय दी थी। अब 2-3 बैंक्स मेरे रडार पे थे, चूँकि बैंक ऑफ बड़ौदा रिजल्ट्स आ चुके हैं, कैनरा बैंक भी अच्छा लग रहा है जो सुमित जी बता ही चुके हैं 3.5%, तो मैंने सोचा कि कौन सा एक वो बढ़िया बैंक है जो पार्टिसिपेट कर सकता है रैली में। तो PNB का फ्यूचर, क्योंकि PNB इन सब में से आज सबसे कम चला हुआ और कम से भागा हुआ है, यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी, रिकवरी तीनों देखने को मिल सकती। तो 49.5, 49.50 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है, 54, 56, 58 ये तीन टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। PNB का फ्यूचर, ओके तो ये है आपके लिए PNB। बड़े टारगेट्स आ रहे हैं सर यहाँ से, अच्छी मूव, 10% ज़्यादा की दीप, ऐसे ही है। अभी आप देखो ना, आज SBI का हाई और लो देखिए, 521 का लो है और 548 का, यानी कि लगभग लगभग 25 रुपये, 5-6% का मूव इंट्राडे में बड़े में आ रहा है, आसानी है। तो 7-8% का एक दो दिनों में मूव आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारी अदानी में तो आज 50%, अदानी तो खैर बात ही अलग है। एक्सेप्शनल कैसे है, अल्ट्रा एक्सेप्शनल, 945 का लोअर, 1682 का हाई, यानी कि आप नीचे 945 से गिने 70% स्टॉक बढ़ा एक दिन, 10 साल की गेंद और चेहरे पे किसी की मुस्कुराहट नहीं, किसी की यही बात। तो ये है आपके लिए अदानी, अदानी पोर्ट्स भी देख लिया 8% ऊपर है, बट PNB इस पर रखना है फोकस अनिल जी की तरफ से, 2000 की पिकारी और बड़े टारगेट्स 54, 56, 58 के रहेंगे। इस बीच एक बार रुपए पर भी नजर डाल दीजिए, क्योंकि वहां पर भी जबरदस्त मूव हो रही है, डेज हाई पर रुपया ट्रेड कर रहा है, 20-22 पैसे की मजबूती आपको रुपए में दिख रही है। आज सुबह एकदम फ्लैट खुला था, लगभग आधा दिन बिल्कुल फ्लैट रहा और उसके बाद रुपए ने आपको स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी है, 82 के नीचे आ गया रुपया, तो ये भी अच्छी बात है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस समय रुपया। देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर आपको बनेगा। कैश का ऑप्शन दे रहे हैं सुमित जी, बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक तो सुबह का अपडेट, सुबह निफ्टी के अंदर जब लोस के पास ट्रेड कर रहा था तब 17600 का कॉल लेने का सलाह दिया था और निफ्टी वहां से करीब करीब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट या 200 पॉइंट के आसपास का तेजी दिखा रहा है, तो सुबह वाले कॉल ऑप्शन के अंदर पूरे टारगेट हिट हुए हैं जो लिफाफा लेवल्स दिए थे, तो ये मोहर लगा सकते हैं टारगेट अचीव की। और अब स्टॉक स्पेसिफिक कॉल ऑप्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक मेरे को यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी दिख रही है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 881 रुपीज, 882 रुपीज। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। इसके लिए एक्सिस बैंक के अंदर 890 वाला कॉल 17.50 रुपए 17.60 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। एक्सिस बैंक में मेरे को लग रहा है कि लोअर लेवल से सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, एक्सिस बैंक यहाँ से ऊपर में
900 रुपए से लेकर 910 रुपए तक का मूव अगले हफ्ते में दिखाना चाहिए, यानी एक दो दिनों के अंदर ही ये मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए एक्सिस बैंक का 890 का कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 12 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर पहला टारगेट बनेगा 23 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 28 रुपए का। 23 रुपए से लेकर 28 रुपए तक के टारगेट होंगे 890 के कॉल के अंदर और 12 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। खरीदारी करें एक्सिस बैंक 23 से 28 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक पर खरीदारी करें। एक और प्राइवेट बैंकिंग नेम जो आपके रेडार पर आना चाहिए उस समय आ रहा है, तो पीएसयू हो या प्राइवेट, आज तो बैंक्स का ही दिन है। और 41600 के लेवल्स की बात अनिल जी कर रहे थे, 41550 पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी समय आते हुए दिख रहा है, तो लेवल्स की तरफ मूव कर रहा है। थोड़ी देर में फाइनल स्ट्रैटेजी भी लेंगे अनिल जी से, लेवल्स भी जानेंगे अब क्या करना है। इससे पहले बैंक से बेनिफिट जान लिया जाए आशीष के साथ, आशीष के पास चलते हैं बैंक से बेनिफिट के लिए। कोई और अदानी ग्रुप स्टॉक आने वाला है? नहीं दीपांशु, एक अदानी स्टॉक बाहर निकल जाएगा, अंबुजा सीमेंट। यहाँ पर पोजीशंस कम हुई हैं, ज़्यादा कम नहीं हुई लेकिन 80% से नीचे आ गई, 79.6 प्रिसाइजली आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 80% से नीचे आ गई हैं, कल भी देखिए पोजीशंस घटी रही थी, 81% पर बंद हुई थी, तो आज पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पर जो है फर्दर पोजीशंस नहीं बनेगी। वैसे बैन में तो कोई पेनल्टी तो क्यों देगा, तो अंबुजा सीमेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक बैन से बाहर आएगा। बाकी अदानी पोर्ट्स है करीब करीब 96% पर, इसकी एंट्री आज ही हुई है बैन में, 101% कल थी मार्केट वाइड पोजीशन में, अभी 96 है, तो ये तो एक दो दिन रहेगा बैन में। अंबुजा सीमेंट ये तो पक्का आ जाएगा बाहर। एंटरप्राइजेस कुछ नहीं कर रहा? एंटरप्राइज दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर। आपको एक बार पोजीशंस बता देता हूँ, आपने पूछा तो करीब करीब 82% है, तो फिर 96% से तो काफी। अदानी एंटरप्राइजेस कितना, 15 मिनट में 2% नहीं कर सकती क्या? आशीष जी की बात सुन के अगर 2% और लोगों ने 82 है, हाँ 82 तो 80 के नीचे तो मारा जाएगा ना। नहीं सर, अदानी एंटरप्राइज एंट्री के लिए, अदानी पोर्ट्स, ओ सॉरी एंट्री, ओ अदानी पोर्ट समझ गया, एंट्री में तो बहुत 95 के पहले आएगा, नहीं आएगा, हाँ मैं वही सोचा मैंने कहा ओके सॉरी। तो चलिए ये है अंबुजा बाहर आने की, अंबुजा बाहर आएगा बिल्कुल, चल आशीष जी स्प्रेड बनाएंगे अंबुजा, अंबुजा पे बाहर आएगा तभी बन पाएगा ना, पहले कैसे बनेगा। वैसे ऐसा देखा जाए तो ये आम सहमति है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में अगर किसी को कोई एक शेयर सबसे पहले खरीदना तो वो अंबुजा है, ये आम सहमति। आशीष जी ऐसा सही है ये सोचना कि आम सहमति अंबुजा के लिए है सबसे पहले? बिल्कुल अनिल जी 100%, और मेरे को इसीलिए आम सहमति से जो क्राउडेड ट्रेड होता है ना उसी को उसी से डर लगता है। अभी क्या नहीं जी, एक और रीजन बताता हूँ, देखिए रिवर्सल आएगा तो सब में आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन अगर आप अनिल जी ऑन द स्ट्रीट 10 लोगों से बात करें ना, तो 9 लोग अंबुजा और सेकंड अदानी पोर्ट, ये 2 प्रेफरेंसेज हैं कि बिजनेस है, विजिबिलिटी है, कैश फ्लोज है, धंधा है, सामने दिख रहा है, इतना कैसे हो जाता है। अब मुझे वो डर लगता है जब जहां सारे घुस जाएंगे, अगर सब कहेंगे अदानी एंटरप्राइज 0 हो जाएगा और बाकी चल जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अनिल जी मैंने अदानी एंटरप्राइज में वो स्प्रेड बनाया था 1:1 कि 12-15, अभी भी अनिल जी 1300 लेके 1600 बेच दीजिए 1:1, ये लेके जाना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं जी, सिर्फ ट्रेडिंग प्ले है, मुझे किसी से कोई बहुत अलग से नहीं। अगर मैं अगेन कि सब लोग क्योंकि अदानी में बहुत फंसे हुए हैं और इस कमेंट्री को इसको सोचेंगे नहीं रिवर्सल हो गया, मुझे कुछ नहीं पता नहीं जी कितना रिवर्सल होगा, कहां होगा, अपने को ट्रेडिंग प्ले ढूंढना है। और जो आपने बिल्कुल बोला, क्योंकि जिसमें ज्यादा वैल्यू दिखती है उसमें लोगों को ज्यादा कंफर्ट आता है, और हो सकता है उसमें वो जो कंफर्ट ज्यादा आता है तो उसका जो ट्रैक्शन हो बाकी से कम हो के जहां पे पैनिक ज्यादा हो, इसीलिए आई आइडेंटिफाइड अदानी एंटरप्राइजेस ओवर 2, बिकॉज उन दोनों को तो सब ले ही रहे हैं, बिल्कुल एवरेज आउट कर रहे हैं अनिल जी सब लोग। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय। और आ चुके हमारे साथ स्टूडियो में बंसल जी, ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको बाद में मैं पूछूंगा भी। LIC हाउसिंग सोमवार को आने वाले हैं नतीजे, और नतीजे का अनुमान बताने के लिए कुशल गुप्ता जी तैयार हैं हमारे साथ स्टूडियो में। और बंसल जी आप चार्ट्स मत देखिएगा, चार्ट्स वार्ट्स के हिसाब से नहीं, ऐसा मत सोचिए मैं चार्ट्स पूछूंगा, जिन कुशल जी ने आपको इग्नोर किया था यहाँ पर न्यूज में, वो अनुमान बताने के लिए आ चुके, कुशल जी बताइए। सर सबसे पहले तो सॉरी, अगर ऐसा ये इंटेंशनल बिल्कुल भी नहीं था, बस काम वाला ऐसा सिनेरियो था कि नहीं था सर ध्यान, किसी पे भी ध्यान नहीं था। अच्छा अच्छा, बंजल जी के अलावा दूसरों को भी इग्नोर किया? नंबर उस टाइम बहुत सारे आ रहे थे सर, और बैक टू बैक आना जाना चल रहा था। नहीं, बट इसमें बंसल जी की जो कंप्लेन है कुशल, वो ये है कि आपने देख कर इग्नोर किया, ऐसे नहीं कि वो थे और आपने रियलाइज नहीं, आपने देखा उन्हें और फिर आपने इग्नोर किया। अच्छा, तो CISF वाले भी इग्नोर नहीं करते बंसल जी को, सोचो जी। सुमित जी जी, कुणाल जी
अनिल जी देखिए मैं तो कह रहा हूँ आजकल घर पे भी कम इग्नोर होने लगे हैं बंसल जी अनिल जी चले बंसल जी बी हैप्पी चिंता न करें आपको इग्नोर नहीं किया है इसीलिए LIC हाउसिंग पे जो गोल बताएंगे कुशल उसका सवाल आप ही से पूछा जाएगा चार्ट तैयार रखें जी कुशल बताएं तब तक देखिए सर यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेकर जो नंबर्स दिख रहे हैं NII करीबन 4.5% से 5% बढ़ने का उम्मीद है 1525 करोड़ रुपए पर ये आंकड़े आ सकते हैं साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो करीबन 1% ही बढ़ता हुआ नजर आएगा यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है 775 करोड़ रुपये पर हम इनका मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हालांकि लोन ग्रोथ ये कंपनी की करीबन 11% बढ़ सकती है निम्स की जहाँ तक बात है 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर निम्स बढ़ने की बात है और जो रिटेल सेगमेंट है वहाँ पर बेहतर साइड पर ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है क्रेडिट कॉस्ट में यहां पर कमी होने का अनुमान है जिस वजह से NIIs हम देख रहे हैं कि करीबन 5% तक ग्रो कर सकती है तो ऑल इन ऑल नंबर्स फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव आप कह सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के आ सकते हैं फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स बंसल जी बताएं सर चार्ट पर LIC हाउसिंग फाइनेंस कैसा लग रहा है एग्जैक्टली 400 के लेवल पे दीपांशु ये तो बहुत गलत बात है अभी तक अनिल जी बोल रहे थे कि चार्ट नहीं पूछूंगा और इसका तो चार्ट खोलने में टाइम लगता है तो थोड़ा सा समय दें मेरे को पहले गजब कर रहे हैं मैंने जब आपने पहले बोला था अनिल जी ने कि चार्ट नहीं खोल चार्ट तो बोला था हाँ मैं बोला था आपने मुझे इग्नोर कर दिया बंसल जी इतना बड़ा बदला कुशल ने आपको कि आपने मुझे कर दिया मैंने पूछा था कि चार्ट पूछूंगा बंसल जी से इग्नोर करा किस किस ने सुना कि मैंने चार्ट के लिए पूछा था किस किस एक मिनट रुको देखिए अनिल जी चार्ट से पहले तुम जी तो दोनों हाथ खड़ा करेंगे नहीं भी सुना होगा तो भी हाँ बोलेंगे जी जी बंसल जी बताए देखिए अनिल जी पहले चार्ट से पहले मैं एक आपको एक अपनी एक रिसर्च बताता हूँ अनिल जी जो मैंने नूपुर के साथ शेयर करी थी कि अनिल जी बॉलीवुड वालों में और जी बिजनेस की जो इंटरनल टीम है अनिल जी इंटरनल टीम की बात कर रहा हूँ दोनों में एक सिमिलैरिटी अनिल जी सबके सब एकदम फिट हैं सबकी बॉडी थिन है अनिल जी किसी का भी टमी नहीं है अनिल जी मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो जो कुछ एक दो लोगों ने मुझे इग्नोर करा पता नहीं क्यों करा अनिल जी बट नूपुर से पूछेगा अनिल जी सबके सब आप लाइव एग्जांपल दीप है अनिल जी आशीष है नूपुर भी अनिल जी और सबके सब अनिल जी मृत्युंजय भी अनिल जी बॉम्बे आ गए एकदम फिटनेस फ्रीक हो गए अनिल जी मृत्युंजय को भी मैंने बोला था तो कुशल से तो अनिल जी मैं पास पास से देख नहीं पाया उनको अरमान को अरमान के भी दर्शन थोड़ी दूर से हुए थे तो अनिल जी सबके सब अनिल जी एक सिमिलैरिटी है जी। और अनिल जी दूसरा LIC पे जब आपने व्यू पूछा अनिल जी तब तक तो चार्ट ना रुका हुआ था हाँ। और अभी अभी अनिल जी डेज हाइस पर आया है तो जिनके पास है होल्ड करें कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर अनिल जी 401-402 के ऊपर सस्टेन करने की वेट करेंगे 402 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर है और तब एक बड़ा मूव टुवर्ड्स 415-418 का देखने को मिल सकता है ओके तो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर है पोजीशन होल्ड करें डे हाई पर स्टॉक आता हुआ दिख रहा है आने वाले हैं नतीजे से पहले सोमवार को एक और NBFC के नतीजे आएंगे और वो है मुथूट फाइनेंस इसके नतीजे का भी अनुमान समझ लेते हैं कुशल से ही उससे पहले 320 वाली स्ट्रेटजी कर लेते हैं सर कर लीजिए अनिल जी की 320 की स्ट्रेटजी सर कुछ नहीं बदला है अमेरिकी फ्यूचर्स 90 पॉइंट नीचे डाउ और 1.5% नीचे नैसडैक रुपया 36 पैसे मजबूत है अनिल जी तो पुल बैक अच्छा रुपए में आ रहा है देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट है अदरवाइज बाकी संकेत फ्लैट है बट हाँ आपने 41600 की बात करी थी सर बैंक निफ्टी में 41500 तो आ गया 41400 41650 तो 500 पे एग्जैक्टली बीच आ गया वहां पर और 17800 415 जी 41540 41645 ये तीन एग्जैक्ट लेवल है मैं जानबूझ के राउंड फिगर इसलिए बोलता हूँ ताकि सबको याद रखने में जी मुझे भी रहे दूसरों कहीं नहीं खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है तो 41550 के आसपास नेक्स्ट लेवल है 650 फाइनल लेवल है जांग के लिए अब रहा सवाल 320 की स्ट्रेटजी का निफ्टी 17850 17900 और अपनी बात हुई थी 2 बजे डे हाई पर बंद होगा तब 17750 का लेवल था वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर है डे हाई पर बंद होगा 850-900 की रेंज में हम फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे ठीक है है उसको होल्ड करेंगे 17700 के स्टॉप लॉस पुट के साथ या 17600 के पुट के साथ हेजिंग करने के लिए आज से बहुत किसी का रिस्क लेने का मन है तो रेशियो बाय के साइड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है बजाय शॉर्ट के पॉइंट नंबर वन अगर किसी के पास शॉर्ट पोजीशन है उनको हेज करना है 18000 का कॉल लेकर हेज कर सकते हैं ये आपके लिए सिंपल 150 इधर 150 उधर उसके बियॉन्ड बड़ा मूव आए तो उसी की हेजिंग चाहिए अदरवाइज आपको हेजिंग चाहिए भी नहीं बैंक निफ्टी 41500 पर बंद हो रहे हैं
41,650 41,400 जो हमारा कंजेशन जोन है उसके बीचों बीच में वहीं जाकर बंद हो रही, यहाँ हम नहीं खरीदेंगे। क्लियर है? ठीक है। लॉन्ग है 41,000 या 41,200 का, जो आपको ठीक लगे उसका पुट से हेज जरूर करिए। ओके। शॉर्ट है 42,000 का कॉल लेकर हेज करिए। बजट के दिन 42,000 का हाई बनाया था, 42,000 कुछ पॉइंट का, 2-4 पॉइंट, 42,015 एज गुड एज 42,000। सो 42,000 के ऊपर अब निकलेगा तो फ्रेश तेजी और होगी। 41,650 के ऊपर बंद होते ही हो जाएगी। तो बंद में आप देखिए 17,850 एग्जैक्टली वहीं जाके बंद हो रहा है, जो आपको क्लियर कट नहीं बता रहा है, इसलिए मैं 17,900 बोल रहा था कि 51 पॉइंट का क्वेश्चन लेकर रखेंगे और वहाँ बंद होगा तो कंफर्म हो जाएंगे। बैंक निफ्टी भी आपको 41,650 के ऊपर बंद चाहिए, 41,500 के आसपास बंद हो रहा है, एग्जैक्टली उसके पास जाकर बंद होता है। जो ये पास जाके बंद होता है नेक्स्ट डे के लिए कन्फ्यूज रखता है आदमी को, है ना, कि नीचे खुलेगा तो फिर वापस लेना है या अगर गैप से खुल गया तो क्या, आइदर थिंग कैन हैपन। लेकिन ठीक है, अपने जिस तरह के माहौल में पूरा हफ्ता निकाला है आज अच्छा है कि ठीक ठाक तेजी हो रही है, वीकेंड सेशन अपना अच्छा जा रहा है, फ्रेश खरीदारी मंडे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से, वागले साहब के लिए भी गुड। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं सर, M&M फाइनेंस में BTST करके जाए, 243.50, 243.80 का करंट भाव है, 240 के ऊपर ये निकला है और मुझे लगता है इसमें अच्छी खासी मूव कल आनी चाहिए, तो मैं इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट कल के दिन में ये 255-258 तक जा सकता है और पोजिशनली इवन 270 तक जा सकता है, ये एक हफ्ते का व्यू होगा। आपका स्टॉप लॉस 239 का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए M&M फाइनेंस, इसके नतीजे आने वाले हैं आज, तो इस पर रखें फोकस। साथ ही मणप्पुरम फाइनेंस, इसके भी नतीजे आज आने वाले हैं, इस पर भी करें फोकस। वागले साहब, आप मणप्पुरम के भी चार्ट पुल अप करिए, उस पर भी मैं आपकी राय लेता हूं। और साथ ही मुथूट, इसके नतीजे आने वाले हैं मंडे को, तो ये तीन एम लेटर की NBFCs तीनों फोकस में रहने वाली हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। एक बार कुशल से मुथूट का जो अनुमान है बाजार का ये भी जान लिया जाए, कुशल बताइए। देखिए यहाँ पर तो कमज़ोर नतीजों का अनुमान लगाकर चल रहे हैं दीप, खासकर NII आप देखिए 12.5% गिरकर 1650 करोड़ पर रह सकती है, और इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो 13.5% की गिरावट शो कर रही है, करीबन 890 करोड़ कंपनी का जो मुनाफा है वो गिर सकता है। NII गिरने की मेन वजह यह है कि जो गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है उस वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है, और साथ ही AUM पे ये असर होता हुआ दिखेगा। बैंकों से जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, उसके चलते भी AUM पे असर होता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि जो AUM में ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे पहले, उसके मुकाबले 6-8% की ही ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्टेड है। NIMS कंपनी की 10 से 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकती हैं, बट जो इम्पैक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी पर 13-13.5% का, वो गिरावट का रुझान दिखा सकता है। तो इस वजह से मुथूट फाइनेंस ओवरऑल नंबर्स कमजोर रहेंगे। ओके, तो मुथूट फाइनेंस ओवरऑल नंबर्स कमजोर ही रहने वाले हैं, कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। सुमित जी मुथूट का चार्ट देखें, तब तक वागले साहब से मणप्पुरम पर राय ले ली जाए। वागले साहब बताएं सर, मणप्पुरम दीपांशु नहीं, दम नहीं है, कंसोलिडेशन में ही है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा बॉटमिंग फॉर्मेशन 110 के आसपास हुआ है, अभी 115-116 है, लेकिन 118-120 के पार निकलने के बाद ही इसमें बड़ी मुंह आएगी 125-130 की, तो फिलहाल मेरा व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। सुमित जी मुथूट, दीपांशु मुथूट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, उस गिरावट के बाद अब स्टॉक नीचे में सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट से बाउंस बैक और पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें ऊपर में 1050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर बनेगी जब 1050 का लेवल टूटेगा, उसके बाद 50-60 रुपए का तेजी और बनेगा। फिलहाल पुल बैक और बाउंस बैक मान के चले, जिसमें 1050 तक के लेवल मुथूट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो मुथूट, मणप्पुरम और M&M फाइनेंस, इन तीनों के नंबर्स आने वाले हैं। M&M और मणप्पुरम आज ही आएंगे और मुथूट आएगा मंडे को। नतीजों के लिहाज से काफ़ी नतीजे आज के अभी भी आना बाकी हैं, बट बाजार पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग के लिए हो रहा है तैयार। आइए फिर फाइनल क्लोजिंग फिगर्स की तरफ बढ़ते हैं। शानदार इंट्राडे मूव आपको निफ्टी ने दिखाई और 17,800 के ऊपर आप क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। डेज हाई पर बंद होने को बाजार तैयार हो रहा है। 800 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी रही है, 41,500 के करीब यहाँ पर भी आपको क्लोजिंग आती दिखेगी। टाइटन कल आए थे नंबर्स, मैनेजमेंट कॉन कॉल कल शाम हुई थी, उसके बाद से जबरदस्त रिएक्शन 6.5%। अदानी पोर्ट्स आज सुबह, किसने सोचा होगा कि निफ्टी का सेकंड बिगेस्ट गेनर रहेगा, बट ऐसा ही है, इस समय 6% ऊपर ये काउंटर भी है। बट आज की जो मूव है वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की ज्यादा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, HDFC, SBI, इंडसइंड, SBI लाइफ,
यहाँ पर भी अच्छी मूव रही है। एक्सिस बैंक, कोटक, ICICI, इंडसइंड, यहाँ सभी में आपको बढ़िया मूव दिखी है। तो इन सभी काउंटर्स के योगदान से आप देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शानदार तेजी के साथ आप क्लोज हो रहे हैं। एशियन पेंट्स में एक बाउंस बैक था, सन फार्मा, UPL, M&M, ब्रिटानिया, ग्रासिम, पावर ग्रिड, L&T, इन्फी, मारुति और ONGC, यहाँ पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। बट उसके सामने नतीजों का डिजास्टर था आज, डिवीज लैब 12% ये काउंटर टूटा है फ्रेश लो पर, 3000 के भी नीचे आ गया, इनफैक्ट 2900 के भी नीचे आपको ये काउंटर दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस इंट्राडे में ऑलमोस्ट 40% टूटने के बाद अब आपको ये 2% नीचे बंद होते हुए दिख रहा है। तो बड़ी गिरावट, 800 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी के बेहद करीब आपको क्लोजिंग दे रहा है। तो इवेंटफुल बजट वाला हफ्ता, अर्निंग्स वाला एंड अदानी वाला हफ्ता बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव नोट पर क्लोज हो रहा है। ये तो डिबेट रहेगी, ये हफ्ता कौन सा माना जाए, कौन सा बजट वाला माना जाए या अदानी वाला माना जाए। सच में एनीवे फाइनली अंत भला तो सब भला, फ्राइडे के दिन आपको एक अच्छी रिकवरी के साथ डे हाई पर बाजार बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। या निवेशकों को मिलेगा निवेश के नए मौके जानने सीखने का, ट्रेड बुल्स पेश करने जा रहे हैं जी बिजनेस के साथ निवेश की पाठशाला 11 फरवरी को बेंगलोर में, और रजिस्टर करने के लिए आप SMS करें इन्वेस्टर और भेजने, नंबर तो सबको याद ही है 57575। कुछ इंटरेस्टिंग बात होगा खुलासा कर दो जी, बताइए सर। यह है अगले सैटरडे को बेंगलोर में है जी, और सोचिए कौन होगा वहाँ पर, एनी गेसेस? आप तो जाएंगे, बग्गा साहब। अरे वाह, बग्गा साहब भी जा रहे हैं? अरे वाह, बग्गा साहब जा रहे हैं, उनके साथ में जा रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं, बग्गा साहब होंगे और हम वहाँ पर सैटरडे दोपहर में जी ये निवेश की पाठशाला करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा सर। तो लंबे समय बाद हम ग्राउंड इवेंट से शुरू कर रहे हैं, तो ट्रेड बुल्स का ये कार्यक्रम, आप अगर बेंगलोर में हैं, बेंगलोर के आसपास हैं, बग्गा साहब से मिलना चाहते हैं, निवेश की पाठशाला में आना चाहते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना, बस आ जाइए। बग्गा साहब सेल्फी खिंचवाने के भी नहीं लेते। तो बिल्कुल आप ज्वाइन करना चाहें, रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि आई एम श्योर कि सीट सीमित ही होंगी, तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो तो सीधी बात है, वो वैसे ही होता है। तो भेज, तो ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने आ ही गया है 57575 हमारा जो SMS नंबर है, उस पर इन्वेस्टर करके लिखते, बस इतना काफ़ी, हम समझ जाएंगे आपने क्यों भेजा है मैसेज। ठीक है, चलिए, तो यह है इस हफ्ते का कार्यक्रम जो हुआ संपन्न। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी बहुत ही मेहनत, और हिमांशु जी बड़ी मेहनत करके, बहुत भाग दौड़ करके मुंबई में बजट के वक्त समय बिता कर, ये देखो कुणाल जी को तो अभी से थकान आने लगी है। हाँ, कुणाल जी छोड़ रहे हैं, बस एक मिनट और। आराम से वीकेंड पर आराम करें, खाए पिए। ऐसे वही मैं पूछा था, क्या प्लान है इस वीकेंड का? वीकेंड, अरे हमारा तो छोड़ो, अब बजट के बाद बजट के भाषण चलते हैं सारे के सारे, मतलब हर रोज कहीं कोई कोई स्पीच देना होता है, होगा चलता रहता है। आप आराम करें, एकदम थकान उतारें और मंडे को चुस्त दुरुस्त होकर लड़ रहे। अच्छा, आशु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। अनिल जी, वो राकेश जी ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया था जी की सारी इंटरनल टीम को, तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहता था, क्योंकि आज ही मैंने को एंकर्स की फोटो भी डाली थी, तो राकेश जी को थैंक्स कहना था इंटरनल टीम को, जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया। ओके बंसल जी, धन्यवाद भी स्वीकार कर ले, और साथ ही धन्यवाद एक सुमित जी भी। हाँ, अच्छा सुमित जी बोलिए। अनिल जी, आपने एक चीज नोट करी क्या? वो बोल रहे थे कि मैंने देखा सबके टमी सब फिट थे, मृत्युंजय, नूपुर, फिर उसके बाद आशीष का भी शायद नाम लिया, अरमान का भी शायद नाम लिया। अनिल जी, छोटा सा भी किसी का टमी निकला होगा वो भी बुरा मान जाएगा, कुशल का बुरा माना तो अनिल जी बिल्कुल मानता है। देखो कुछ लोग हैं जो खाते पीते घर के होते हैं, होते हैं और कुछ लोग मेहनत करते हैं, बस सीधी बात है। तो हमारे यहाँ तो सर, मतलब जिसकी थोड़ी तोंद रहती है उसको प्रीमियम मिलता है शादी में, कि लड़का खाते बात कर रहे सभी है। अरे गजब, वाह, मृत्युंजय तो आज बड़े राज की बात बताइए। चलिए आप सबसे विदा लेंगे, वागले साहब, आशु जी, धर्मेश जी, सुमित जी, कुणाल जी, राकेश जी और हिमांशु जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।